हमारे प्रशंसकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ऐसा माना जाता है कि भगवान कार्तिक की सच्चे मन से पूजा करने पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कार्तिक की असीम कृपा से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान कार्तिक की महिमा शिव पुराण छाया चित्र के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। मंदिर सुंदर प्रभु मूरत सुंदर सच्चा दरबार ये बड़ा मनोहर तन मन पावन हो दर्शन से जय कार्तिक स्वामी। तुमसे ही ज्ञान प्रभु कार्तिक भगवान है, सर्वशक्तिमान प्रभु भक्तों की शान है। मुरुगन भगवान प्रभु कार्तिक भगवान है, सर्वशक्तिमान प्रभु भक्तों की शान है। बाहों वाले कार्तिकेय भक्तों के सारे दुख दूर करके
उन्हें नई जिंदगी देने वाले, ऐसा ऐसा कोई दिन नहीं कि मैंने आपकी पूजा ना की हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी ही पूजा की है। आज तक प्रभु, ऐसा कोई समय नहीं कि मैंने आपको याद ना किया हो। हर पल मैंने आपको ही याद किया है स्वामी। हर सांस में मैंने कार्तिके और आपकी ही भक्ति के गीत गाए हैं मैंने प्रभु। मैं जहां जाती हूं मैंने गीत गाए हैं प्रभु। आपने अपनी लीला मुझ पर दिखाई है प्रभु। आपके गीत सुनने वालों और पढ़ने वालों पर सबको आपने अच्छा जीवन और अपना आशीर्वाद दिया है प्रभु। आपके पुण्य नाम कार्तिके सुनने वाले की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। आपकी कृपा के लिए क्या करेंगे, तपस्या करके वरदान पाकर शूरभद्र अच्छे मार्ग को छोड़कर बुरे मार्ग पर चल पड़ा है और देवताओं को परेशान करने लगा है। ये देखकर उसकी बहन अजमुनि उसे रोकने की बजाय उस पर गर्व करने लगी और उस पर बेहद खुश हुई। और एक दिन विजय, विजय ही विजय, महाविजय, परम विजय, दूरमुखी भ्राता वीरभद्र की विजय की गूंज इस ब्रह्मांड में चारों ओर गूंज उठी है। देवगण अपनी शक्ति खो चुके हैं। शूरभद्र को वरदान मिला है। ऐसे शूरभद्र और तारका सीमुगन सर्व भ्राताओं की प्रशंसा चारों ओर हो रही है। देवलोक के सभी देवता हमारे वश में है। अब देवलोक और पृथ्वीलोक में सिर्फ हमारा राज होगा। सिर्फ हम राज करेंगे और कोई नहीं। सारे संसार पर हमारा राज्य होगा अवश्य, कारण शूरभद्र तो वरदान से वरदानित हैं और आप उनकी इकलौती बहन हैं। यही कारण है ना राजकुमारी? सिर्फ राम लक्ष्मण ही नहीं, पूरे संसार पर अब हमारे तीनों भ्राता ही राज करेंगे। यहाँ तक कि अग्नि, वायु, जल सबको हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। सबको हमारी बात माननी होगी। वो क्या, परम विजय प्राप्त कर लौटने वाले भ्राताओं को आप क्या उपहार देंगी? एक बहुमूल्य उपहार उनको दूंगी मैं। वो क्या? इंद्र को बंदी बनाकर लाते समय सबकी आंखों में धूल झोंककर इंद्राणी वहाँ से भाग निकली थी। उसे ढूंढकर और बंदी बनाकर उपहार के रूप में मैं भ्राता को भेंट दूंगी। अच्छा सुझाव है। ऐसा होने से सारा संसार आपकी प्रशंसा करेगा और आपके वंश की कीर्ति बढ़ेगी, है ना राजकुमारी? और जो आपके भ्राताओं से बचकर भागेंगे क्या उसे आप पकड़ लेंगी? ना समझ, पुरुष को धोखा देना आसान है परंतु एक स्त्री को धोखा दे दे ये बहुत कठिन है। देवी, इंद्रायणी तो इतनी शक्तिशाली माया जाल से हमारी नजर में न आई तो आप जैसा समझती हैं वो गलत है, समझी आप? अरे देवता तो माया जाल सीखते हैं मगर हम तो माया जाल में ही पलते हैं, ये तुम भूल गई क्या? हे भगवान, आपसे बातों में कोई जीत सकता है भला? मुझे मुंह बोली प्रशंसा नहीं चाहिए। इंद्राणी को जब पकड़ कर लाऊंगी तो एक बड़ा सा जलसा होगा, उस वक्त मैं प्रशंसा सुनूंगी। इतनी आसानी से आप इंद्र की पत्नी को पकड़ लेंगी क्या? जाएगी कहाँ, किसी भी तरह मैं उसे पकड़ ही लूंगी। इंद्राणी, हे शिव शंकरा तेरा ही सहारा, हे शिव शंकरा तेरा ही सहारा, अपने भक्तों का भाग तूने ही सवारा, अपने भक्तों का भाग तूने
प्रतिबन की बेटी और मेरी माता माया जाल की महारानी रह चुकी है और देवलोक पृथ्वी को जीतकर राज्य करने वाले राक्षस गण का महाराज शूरभद्र मेरे ही भ्राता हैं। उसकी एक लौती बहन और उसकी लाडली बहन मैं हूँ अजमुनी। देवताओं को परेशान कर देवलोक में हलचल करने वाले और मेरे प्राणनाथ को पकड़कर मुझे तकलीफ देने वाले, आपके भ्राता शूरभद्र को आप तो रोक सकती हैं ना? इतने लोगों को परेशान कर ज्यादा दिन वो राज नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने से उन्हें रोकी अजमुनी। ना समझ, हमें तो ऐसा वरदान मिला है कि हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी। भगवान के वरदान का गलत उपयोग करने पर भगवान आपको स्वयं ही नष्ट कर देंगे। उनसे डरिए, ऐसा मत करिए। भगवान नष्ट करेंगे, वे तो सारा वरदान हमें सौंपकर स्वयं कैलाश पर विराजमान है। सारे वरदान हमने पा लिए हैं, अब हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। इस तरह मत कहो, सबके प्रभु एक ही हैं जो आप लोगों को दंड देंगे। बस अब मौन हो जाओ, चलो। कहाँ? हमारे घर चलना होगा। क्यों चलूं मैं? विजय के उपहार के उपलक्ष्य में तुम्हें भेंट दूंगी। हे प्रभु, ये कैसी विडम्बना है। चलो, मेरी बात छोड़ूंगी। अजमुनी, स्त्री होने के कारण मैं तुम्हें शांति से कहता हूँ कि इंद्राणी को छोड़ दो। मुझे आज्ञा देने वाले तुम कौन होते हो? मैं कौन हूँ? इंद्राणी का रक्षक महाचानन। मूर्ख, तीन लोक के नरेश शूरभद्र की बहन अजमुनि से ऐसी बात कही, क्या तुम्हें मृत्यु का भी भय नहीं है? ठीक है, क्षमा किया, चलो जाओ यहाँ से। अरे मूर्ख, मुझे क्या, तुम शूरभद्र की बहन हो या किसी महावीर योद्धा की? अनुचित व्यवहार करोगी तो मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। दंड दोगे मुझे? तुम क्या दंड दोगे मुझे? 7 जन्म तक तुम किसी दूसरे की पत्नी को हाथ ना लगा सको, ऐसा कर सकता हूँ? ना समझ, मेरे चरणों की धूल तक को तुम छू नहीं सकते। सास है तो इंद्राणी का हाथ पकड़ कर देखो। अगर पकड़ लूं छूने वाला हाथ ही काट दूंगा। काटो, देखती हूँ मैं। अंजुमनी, सारे संसार पर राज करने वाला ये है शूरभद्र का हाथ, और एक मूर्ख ने मेरी बहन का हाथ काटा है। मैंने देवताओं को पराजित किया है, तीनों लोगों पर राज करता हूँ, सारा ब्रह्मांड मुझसे कांपता है, और एक मूर्ख ने मेरी बहन का हाथ काटा है। उस महापापी महाचानन की इतनी हिम्मत हुई? भाई तारका, जाओ, इससे पहले कि हमारे क्रोध का सागर शांत हो जाए, तुम जाओ और उस दुष्ट महाचानन का शीश काट कर मेरे चरणों में लाओ। भैया, प्यारी बहना का हाथ काटने वाले महाचानन का शीश काट कर उसके धड़ को रक्त में डुबोकर देवलोक को सबक सिखा कर ही लौटूंगा मैं। कितनी भी बड़ी विशाल सेना होगी, मैं उसका सामना करूंगा। आइए भैया, आज्ञा दीजिए मुझे अभी। पिताजी, बुआ के हाथ काटने वाले को रक्त में डुबोकर ऐसा बदला ले कि तीनों लोग कांप उठे। हमारी बुआ जिस तरह तकलीफ में है, उसी तरह देवलोक की स्त्रियों को तकलीफ देंगे। आप सब क्रोधित होकर, नाराज होकर तुरंत फैसला करना ठीक नहीं, शांति से विचार एवं मनन कीजिए। सिंहमुखा, ये क्या सुझाव दे रहे हो तुम? भैया, हम छोटी बहन के प्यार से बंधे हुए हैं, इसलिए शत्रु की क्रिया पर क्रोध आता है, परंतु धर्म के अनुसार देखें तो अपनी छोटी बहन ने जो गलती की, उसे उसी का दंड मिला है। समझ गए बड़े भैया? नहीं नहीं, मैं भ्राता सिंह मुगन का विरोध करती हूँ। प्यार को महत्व देने की आवश्यकता नहीं, शत्रु हमारे बल की परीक्षा ले रहा है, हमें उनके आगे नहीं झुकना चाहिए। महाचानन ने मेरा हाथ ही नहीं काटा, परंतु उसने राक्षस गण की वीरता, मान मर्यादा सबको काट कर फेंक दिया है। इसका विरोध करना चाहिए, देवताओं को बंदी बनाकर हमें अपनी वीरता दिखानी चाहिए। हमारी मर्यादा करना सिर्फ एक नाटक है, हमें डरना नहीं चाहिए। देवता तो पीठ पर वार कर रहे हैं, मैं अपनी इच्छा बताती हूँ, शीघ्र उन्हें पकड़ कर लाइए। जाइए, आज जो मेरी दशा है, कल वो भाइयों की दशा हो सकती है। तुरंत तैयार हो जाइए, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। ऐसे क्यों खड़े हैं? जाइए यहाँ से। बुआ, गलती किसकी है? आप सारी बातें विस्तार से बताइए चाचा जी को, उसका विवरण दीजिए। आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के विवरण और प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मेरी बहन ने गलती की है तो उसे दंड देने वाला वो कौन होता है? उसे मुझे आकर कहना चाहिए, ये कर्तव्य था। परंतु एक स्त्री का हाथ एक पुरुष कैसे काट सकता है? दूसरे पुरुष की पत्नी को पकड़ कर लाने का गलत काम बहन कर सकती है क्या? अरे मूर्ख, ना समझ, बिना सोचे समझे क्यों बड़बड़ाते रहते हो? शत्रु को बंदी बनाकर लाना ही तो राजतंत्र है। ये तो एक वीर पुरुष का काम है। अपनी बात बंद करो, तुम्हारी क्या इच्छा है? कठिन तपस्या से ये हमें शिव जी से महान वरदान मिला है, उसे ऐसे कामों के लिए उपयोग करना ठीक नहीं, उससे वरदान की शक्ति चली जाएगी। ये गलत सुझाव देने वाले चाचा जी, क्या इंद्राणी हमारे देश में आकर छुप सकती है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा, देश किसने देश की सीमा बनाई और कब हमने इस देश में राज किया है? सीमा की आवश्यकता नहीं, राक्षस गणों के कदम जहाँ पड़े वही उनकी धरती है।
ऐसे मत बोलिए भैया, आप ही के मुताबिक हमारी धरती पर इंद्राणी को होना नहीं चाहिए, इसलिए उसे बंदी बनाने का प्रयत्न किया मैंने। भैया ये नहीं समझते और मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बात कुछ भी हो, जंग शुरू करने के लिए अपनी छोटी बहन इसे कारण बता रही हैं। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, हमें सिर्फ युद्ध का कारण चाहिए। जिस कार्य को हम हाथ में लें उसमें हमें विजयी भी होना चाहिए। विजयी होना हमारे कुल की परंपरा है। बुआ का कार्य गलत भी हो सकता है, पर इस तरह उनका हाथ काटना गुनाह है। ऐसे गुनाह करने वाले को दंड देना हमारा परम कर्तव्य है। पिताश्री आज्ञा दीजिए। हमारे राक्षसगण बहन अजमुनि के हाथ काटने पर सारे देवगणों को मिटा देना चाहिए, यही इतिहास का कहना है। पिताश्री आज्ञा दीजिए। क्या कारण है कि एक तलवार अभी भी शांत बैठी हुई है? हमारे पक्ष में गलती होने पर भी कर्तव्य करने में मैं पूरी तरह तैयार हूँ, आज्ञा दीजिए। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ योद्धा मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी पे विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं स्वयं पे विश्वास रखता हूँ, अपनी भुजाओं पे विश्वास रखता हूँ। अजमुनि, हम दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं। तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु है, तुम्हारा कारण मेरा कार्य होगा, तुम्हारा मान मेरा सम्मान। सब तैयार हो जाओ, नीति न्याय ईमानदारी धर्म, देवता हो या उनके पक्षधर हो, इन सब को मन से निकाल दो। सभी के प्राण ले लो, उन देवगणों को बंदी बनाओ, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हमें कोई भी शक्ति मार नहीं सकती, पूरे ब्रह्मांड में हमें कोई नहीं हरा सकता। केवल शिव शक्ति के हाथों ही शूरभद्र की मृत्यु होगी, ऐसा ही वरदान उसे मैंने दिया है। वह सब कुछ भूलकर गर्व से सब कार्य कर रहा है, जल्द ही वह मिट जाएगा। हमें भूलकर जो गर्व से जीते हैं, वो इस धरती पर जीवन नहीं बिता सकते और हम भी उसे जीने नहीं देते हैं। तो फिर आप मौन क्यों हैं? आज जो देवताओं को कठिनाइयों में डुबो रहा है, उस शूरभद्र और उसके साथियों को आप खत्म क्यों नहीं कर देते हैं स्वामी? उमा, राक्षसगण तो जल्द ही मिट जाएंगे, परंतु शूरभद्र उन्हें कठिनाइयां नहीं पहुंचाए तो भी सारे देवताओं को कठिनाइयों का जीवन बिताना ही है, यही तो विधान है। क्या आप ये विधि बदल सकते हैं स्वामी? कैसे बदल सकता हूँ, पाप का दंड तो मिलता ही है और यही तो विधि का विधान है देवी। ऐसा कौन सा पाप किया है उन्होंने? राजा दक्ष ने यज्ञ किया और अहंकार वश मुझे नहीं बुलाया, ये जानते हुए भी सारे देवगण उसमें सम्मिलित हुए, बस इसी का दंड उन्हें मिल रहा है। ठीक है, भूतकाल को भूलकर शांत हो जाइए स्वामी। शूरभद्र के हाथों देवलोक की दुविधा से क्या आप बिल्कुल अनजान हैं? बताइए, शीघ्र ही उनकी दुविधा दूर करके उनको सुख प्रदान कीजिए। सभी देवताओं को सुखमय जीवन प्रदान करने पर भी शूरभद्र के हाथों वे बेचारे दुविधा में फंसते हैं। आप भी तो बेचारे हैं, आप तो राक्षसगण को कई सारे वरदान प्रदान करने के बाद कई बार धर्म संकट में पड़ जाते हैं और आप अपने भक्तों पर कई बार दुविधा आने देते हैं। पूछने पर आप कहते हैं ये सब तो एक खेल है, मैं आप पर विश्वास कैसे करूं बताइए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उमा, कि शूरभद्र का वध करके देवगणों की रक्षा करूं? आप ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं सारे देवगणों की रक्षा करूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं? मेरी शक्ति के बगैर कोई भी शक्ति शूरभद्र का वध नहीं कर सकती। आपके अंदर की शक्ति तो मैं ही। तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर शामिल है, अब तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा आप कभी मत कहिए। मैं तो सत्य बता रहा हूँ। शक्ति देखिए। हाँ जरूर देखेंगे। हे प्रभु, पार्वती माँ तो हमारे लिए ही कह रही है, आप कृपा करके क्रोधित ना होइए। महादेव, दूसरों के आंसू देखकर पिघलना तो स्त्रियों का सहज गुण है महादेव, इसीलिए माता पार्वती देवगणों की सहायता करने को कहती है। आप अधिक क्रोधित न हो महादेव। आप सब शांत हो जाइए, ये हमारी आपस की लड़ाई है, तब इसका कोई रास्ता निकल आएगा। उमा शांत हो जाओ, मैं तो बस कुछ देर खेल रच रहा था। अपना खेल समाप्त कीजिए, देवगणों को सुखमय जीवन प्रदान कीजिए। अब शूरभद्र के वध की चिंता कोई भी नहीं करना, आज ही मैं कोई मार्ग निकालता हूँ। मुझसे वरदान पाकर मेरे ही भक्तों को देवगणों को परेशान कर रहा है, उसे मैं मिटा दूंगा, तुम सब देखोगे। सत्योजानम तत्पुरुषम वामदेवम ईशानम अघोरम तिरुवधम, ये मेरी 6 शक्तियों को मिलाकर मेरी सारी शक्तियों को एक कर एक कुमार उत्पन्न करूंगा और वही शूरभद्र का वध करेगा। Thank you.
कार्तिकेय कुमार सेलवा सर्वणा अच्युता नंदा कांगिया आओ। कैलाश नाथ की शक्ति से उत्पन्न हुए कार्तिकेय करुणा ही तुम्हारी भाषा है। आपके बड़े अच्छे तरीके से लालन पालन करने की आज्ञा कैलाश नाथ ने ही हमें दी है। आओ। आप कौन है? हमें कार्तिक स्त्रियां कहते हैं। देवलोक में आप परम शक्ति बने, इसलिए आपको पालने का उत्तरदायित्व कैलाश नाथ ने हम सबको दिया है। पर मैं तो एक हूँ और आप छह हैं, तो मैं किसके पास पलूंगा? आप जिसके पास भी जाना चाहे उसके पास ही रहिए, परंतु आपकी देखभाल का काम हम छह स्त्रियों को ही करना होगा कार्तिकी, समझे आप? अच्छा, आओ। मैं नहीं आऊंगा। कार्तिकी आओ ना। डरो मत, आओ। अभी जाओ। देखो कार्तिकेय कैसे पल रहा है, सारे जगत को अमूल्य उपदेश देने वाला। देखो आज कैसे बचपन की लीलाओं में मग्न है। तीनों लोक में ईश्वर के नाम से तीनों भाषाओं का गुरु
तीनों शक्तियों के बल स्वरूप वह परम शक्तिमान कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे शक्ति स्वरूपिणी देवी पार्वती, इन छह हंसते खेलते बच्चों को एकजुट करके आप उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तीसरी आंख से जन्मा हमारा कार्तिकेय, शिव की शक्ति से जन्मा, कुल का नाम रोशन करने वाला कुमार, लोगों को संकट से मुक्त कराने वाला, सत्य को समझाने वाला सर्वना सबसे ज्ञानी और सबसे बुद्धिमान बनने वाला मेरा षणमुखा, आओ मेरे पास आ जाओ। कंदा सुरमारा शुभ्रमणि षडमुख मुरुगन, हे शक्ति पुत्र शिव का दुलारा, त्रिलोक स्वामी गणपति के बाद आए मुरुगन, देवियों से ज्ञान पाए कार्तिकेय 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 अलग अलग बच्चों को एकत्र केवल शक्ति पार्वती माता ही कर सकती है। ये ज्ञान पराशक्ति के द्वारा हो गया है। कार्तिकेय, तुम्हारे छह चेहरे पराशक्ति की वजह से एकत्र हो गए हैं, इसलिए तुम्हारा आज से एक नाम षडानन होगा। षडानन की कीर्ति सारे जगत में फैलेगी। छह बच्चों को एकत्रित करने वाली माता, जिनका आदि न अंत है ऐसे हमारे पिता, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम पर कृपा दृष्टि रखिए। हमें पालने वाली कार्तिक स्त्रियों को मेरा धन्यवाद। पिताश्री, उनका जीवन सदा सुखमय रहे, यही हमारी इच्छा है। कार्तिक को पालने वाली माताओं, कार्तिकेय के प्रति आपका प्रेम और करुणा का उल्लेख हमेशा रहेगा। आप पर कार्तिकेय की कृपा हमेशा रहेगी। कार्तिकेय को पालने के कारण आप सब कार्तिक नक्षत्र बन जाओगी। तुम्हारा उजाला कभी कम न हो, देवलोक में आपकी उत्तम जगह हमेशा बनी रहेगी, हमेशा यज्ञ के साथ रोशनी देती रहेगी। कंदन को कार्तिक की स्त्रियों ने बड़े ज्ञान से पाला है, इसलिए उसका एक अद्भुत नाम कार्तिकेय होगा। कार्तिकेय की पूजा करने से पहले यदि भक्त जन आप लोगों की पहले पूजा करे तो कार्तिकेय का आशीर्वाद और बढ़ेगा। आप सब एक साथ देवलोक को रोशन करती रहोगी। मेरा सारा आशीर्वाद आपके लिए है। प्रणाम ब्रह्मदेव। भैया, आपने देखा ना, मेरे प्रणाम का न जवाब दिए बगैर कैसे अहंकार में जा रहे हैं। भैया, ब्रह्मदेव के बारे में ऐसा मत सोचिए, वे अवश्य किसी चिंता में मग्न होंगे। सृष्टिकार ब्रह्मा अगर इसी तरह चिंता में मग्न रहे तो उनकी सृष्टि पर मनुष्य प्राणी और प्राणी प्राणी मनुष्य बन जाएगा। कार्तिकेय, हम छोटे बच्चे हैं और वो सब लोग बड़े हैं। छोटे हो या बड़े, अगर प्रणाम का जवाब न दे तो उन्हें अवश्य सबक सिखाना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ नहीं होगा, तुम यही ठहरो और आगे देखो। नहीं, मैं ये सब नहीं देखूंगा, तुम जानो और ब्रह्मा मैं चला। ब्रह्मदेव। कहो कार्तिकेय। आपके पास इतने सारे चेहरे हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरे प्रणाम का जवाब क्यों नहीं दिया, बताइए। कार्तिकेय, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओहो, ध्यान नहीं दिया या ध्यान यहाँ नहीं है। ठीक है, आपका काम क्या है? पुत्र, ये कैसा प्रश्न है, तुम नहीं जानते? ये मेरा प्रश्न नहीं था, प्रश्न था आपका काम। सृष्टि की रचना। आप किस आधार पर सृष्टि की रचना करते हैं? मैं वेदों के आधार पर और सबके पाप पुण्य के आधार पर सृष्टि की रचना करता हूँ कार्तिकेय। उस वेदांत का अर्थ क्या है? ओम शब्द से शुरू होता है वेदांत। उस ओम शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ है प्रणवम। प्रणवम फिर से बताइए। आहार उहार महार का समावेश। आहार उहार महार का अर्थ बताइए। उसका अर्थ क्या है? अर्थ है आहार का अर्थ है। क्या अर्थ है उसका? अर्थ अर्थ क्या है? कार्तिकेय, मैं स्वयं उसका अर्थ नहीं जानता हूँ, परंतु मैं बस वेदांत के इस आधार पर सृष्टि रचयिता आप इसका अर्थ तक नहीं जानते, ये बड़े शर्म की बात है। सृष्टिकर्ता आइए यहाँ।
जब तक आप वेदांत का अर्थ नहीं बताते मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपका अहम पूरी तरह मिटना चाहिए, इसलिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। ब्रह्मदेव। स्वामी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर किसी ने कुछ मारा हो। उमा, मुझे भी ऐसा ही लगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारा छोटा बेटा कार्तिकेय ब्रह्मा जी के साथ खेल रहा है। कौन सा खेल? थोड़ा ठहरो, देखें और क्या होता है। भूतगण, वेदांत का अर्थ न जानने वाले ब्रह्मा को तुरंत अकेले कैद करो, जाओ। भैया भैया, आप बीच में ना बोले। कार्तिकेय, ये कैसा विनोद है? अगर मुझे बंदी बना लिया तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? मैं सब देख लूंगा, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। ले जाइए ब्रह्मा को। नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। कार्तिकेय, ये तुम्हारा कैसा अद्भुत खेल है! अगर पिताश्री को मालूम हुआ तो वो तुम पर बहुत क्रोधित होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वेदांत का अर्थ न जानने वाले ब्रह्मा को सही दंड दिया है मैंने। माताश्री और पिताश्री बहुत खुश होंगे मुझ पर। कुमार, तुम अपना खेल ब्रह्मदेव के साथ खेल रहे हो? ब्रह्मदेव तो सृष्टि रचयिता है, उन्हें तुम कैद करोगे? ऐसा मजाक मत करो उनके साथ। शीघ्र ब्रह्मदेव को छोड़ दो। मैंने कहा ना छोड़ दो, जाके ब्रह्मदेव से क्षमा मांगो। माताश्री, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आप नाराज हो। मैं सब विस्तार में बताता हूँ, फिर आप निर्णय करना कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तुम्हारे पिताश्री से सारी बातें सुनकर ही मैं यहाँ आई हूँ कुमार। ये बड़ों की समस्या है, तुम छोटे बच्चे हो, इसमें तुम क्या करोगे बताओ? माताश्री, हम बड़ों की गलतियों को माफ तो नहीं कर सकते, उनकी गलतियाँ सुधारनी चाहिए। ये क्या गलत है माताश्री? कार्तिकेय, तुम धैर्यशाली हो गए हो, साथ में विवाद भी करना सीख गए हो। माताश्री, पिताश्री तो वेदांत के नायक हैं और मेरी माताश्री सबसे बड़ी शक्ति है, फिर विवाद करना और धैर्य को खरीदने की जरूरत क्या है? ठीक है, तुम्हारे पिताश्री की आज्ञा है कि तुम ब्रह्मदेव को मुक्त कर दो। क्षमा कीजिए, जिसने गलती की है उसे दंड अवश्य मिलेगा माताश्री। इसका मतलब है कि तुम ब्रह्मदेव को मुक्त नहीं करोगे? नहीं, मैं उन्हें मुक्त नहीं करूंगा माताश्री। तुम अब मेरी आज्ञा का पालन भी नहीं करोगे? अगर बड़े गलती करे तो छोटों को बड़ा बन जाना चाहिए ना। पुत्र, विवाद नहीं करते। अब ब्रह्मा के पक्ष में ना बोले माताश्री। सर्वणा। कार्तिकेय, सही हो या गलत हो, माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, समझ रहे हो? तुरंत ब्रह्मदेव को रिहा करिए। कौन है वहाँ? ब्रह्मदेव को अभी कैद से रिहा करो, जाओ यहाँ से। शरानन, केवल तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माता जी, मैंने भैया को पहले ही समझाया था, अब पिताजी उस पर क्रोधित होंगे। विनायक, तेरे पिताश्री की ये एक तरह की लीला है, उसका नायक पिता है या उसका नायक पुत्र है ये तो बाद में पता चलेगा। कार्तिकेय, यहाँ तुम्हें समझना चाहिए कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा को कैद करना ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। पिताश्री, मैं आपकी शक्ति से जन्मा हूँ, मैं कभी गलत नहीं करूँगा। वे वेदांत को भूल गए, वेदांत के बारे में दूसरों को उपदेश नहीं दिया, ऐसी गलती करने वाले को माफ नहीं करना चाहिए। वो जल्दी में जा रहे थे, प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया, उन्हें गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें बंदी बनाकर कैद रखना चाहिए। ऐसा आप ही ने सिखाया है ना पिताश्री, बोलिए ना। हाँ, मैंने ही कहा था, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। आपके आदेश का पालन करते हुए ही मैंने ब्रह्मा को कैद किया, क्योंकि वो वेदांत का अर्थ नहीं जानते हैं। तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, प्रणवाक्षर का अर्थ तुम्हें नहीं समझेगा, इसीलिए ब्रह्मा ने तुम्हें अर्थ नहीं बताया होगा। छोटे बच्चे अगर सवाल करे तो उन्हें समझा कर क्या बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या ये उनका कर्तव्य नहीं है पिताश्री? तुम्हें समझाते तो भी तुम नहीं समझते। ज्ञान और उम्र का कोई नाता नहीं है पिताश्री। ओहो, तो तुम सब कुछ जानते हो? मुझे आपने जन्म दिया है, मैं वेदांत सर्वशास्त्र सब कुछ जानता हूँ। तो ठीक है, क्या तुम वेदांत का अर्थ बता सकते हो? आप सुनने के लिए तैयार है तो मुझे समझाने में कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, वेदांत का अर्थ बताओ। वेदांत समझाने वाला गुरु और समझने वाला शिष्य होता है ना। ये सारी बातें तो अनजान लोगों के लिए ही ठीक है। ये सच नहीं है, वेदांत सीखा है या नहीं ये प्रश्न नहीं है, और सीखने वाला शिष्य है, क्या आप इसे नहीं मानते हैं? मैं आपका बेटा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, मैं मानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप एक शिष्य की तरह चुपचाप बैठकर मेरे कहे हुए वेदांत को ध्यान से सुनिए।
लेकिन मैं पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र, ये भूलना नहीं। वो तो हमारा बंधन है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। आपने मुझे किसी कारणवश जन्म तुम दिया है। तुम कुछ भी कहो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। नहीं, मैं आपसे बड़ा हूँ। कैसे? पिताश्री, आप पंचाचरण के हैं, मैं कड़ाचरण। शिवाय नमः आपका नाम 5 अक्षरों में है, सर्वन भव मेरा नाम 6 अक्षरों में है। क्या आपको और समझाऊं? हाँ, बड़े नटखट हो तुम। ठीक है, वेदांत समझाओ। शिष्य बैठिए। के जैसे सोने को मूल्यवान माना जाता है, वैसे ही आपके गीत गाने से मैं मूल्यवान बन गई हूं। प्रभु, मैं अपनी चिंता किए बगैर आपका प्रचार करती हूं, परंतु आपकी करुणा मुझे अब तक नहीं मिली है। प्रभु, मेरे इस दुखी दिल को आप कब तक आश्वासन देंगे? आपकी कृपा मुझ पर कब तक होगी, ना जाने कब तक, बताइए। क्या दादी, अकेले बैठे बैठे क्या बड़बड़ा रही हो, बोलो ना। बड़बड़ाई, गीत गाया है मैंने, इस तरह सारे लोगों की सेवा करती आई हूँ मैं। लोगों की इतनी सेवा, तो तुम बहुत पढ़ी लिखी हो ना, मुझे भी पढ़ाओगी, बोलो ना दादी। हाँ, बहुत पढ़ी लिखी हो ना। दूध, मद, दही और दाल, ये चारों को देकर मैंने तामिल खरीदा, खुद सीखा और सबको सिखाया। अच्छी तरह सीखा और सबको सिखाया।
ऐसा करने से बहुत सुख मिला मुझे। क्या सचमुच दादी? तुम्हारी तरह दूसरी दादी ये कहती है कि कितना भी सीख लूं वो मुट्ठी भर है और सीखने को संसार में बहुत कुछ है, पर तुम तो कहती हो कि सब कुछ सीख लिया। क्या हुआ दादी, ऐसा क्यों कहती हो बताओ? अरे दादी ऐसे क्यों देख रही हो? उम्र में तो बहुत छोटे हो पर बातें बड़ों की तरह करते हो, इसलिए देख रही हूँ तुम्हें। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ गाय बकरियाँ भैंस चराने वाला लड़का हूँ। मेरे और पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं पढ़ता। पढ़ाई नहीं तो क्या हुआ? ज्ञान की गंगा तो तुम्हारे भीतर दौड़ रही है। ये बात है? यही मेरे ईश्वर कार्तिकेय की कृपा है। दादी तुम बहुत थकी हुई हो, मैं कुछ जामुन देता हूँ, खाओगी? मैं ठहरी एक बुढ़िया औरत, मैं जामुन क्या खाऊंगी? तुम खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट है, खाओगी? मैंने स्वादिष्ट भोजन खाना छोड़ दिया है पुत्र। कोई बात नहीं दादी, तुम थकी हुई हो ना, थोड़ा सा खा लो। ठीक है दे दो। देता हूँ। तुम्हें कच्चे फल चाहिए या पक्के फल चाहिए? ये क्या कह रहे हो, जामुन कच्चे और पक्के कैसे होते हैं? है ना, तुम नहीं जानती? ठीक है कच्चे ही फल दे दो मुझे। कच्चे फल चाहिए? अभी देता हूँ। अरे अरे फल पर मिट्टी लग गई, साफ करती हूँ। दादी क्या फल कच्चे हैं? कार्तिके ये कैसा खेल है तेरा, मैं नहीं समझी। मेरी समझ से परे है ये सब। दादी दादी तुमने कुछ कहा? मैं किसी के भी सामने झुकी नहीं हूँ ना ही हारी, पर तेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकती हूँ पुत्र। ऐसा क्या हुआ? मैंने बहुत पढ़ाई की, ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का उपदेश दिया है मैंने। उसी समय मुझ में गर्व आ गया, इसलिए तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ना दे सकी पुत्र। इन सब बातों के लिए तुम मुझे गलत ना समझो। ओहो तो आप में गर्व आ गया था? हाँ पुत्र तुम गाय भैंस चराने वाले नहीं हो। अपने ज्ञान से कहती हूँ, तुम कौन हो बता दो मुझे। तुम्हें मेरी सौगंध है, बताओ कौन हो तुम। मेरी परीक्षा मत लो पुत्र, बता दो। तुम सब जानती हो ना दादी, तो ये भी बता दो कि मैं कौन हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आराम से आंखें बंद करके सोचो कि मैं हूँ कौन, तुम्हें पता चल जाएगा। कार्तिके कार्तिके ये क्या, आपने मेरी परीक्षा ली थी? हाँ मैं यहाँ तुम्हारे तमिल की परीक्षा लेने आया हूँ। अच्छा मैं जो पूछूंगा उसका सही उत्तर दोगी? कार्तिके प्रश्न भी आप हैं और उसका उत्तर भी आप ही हैं प्रभु, आप ही मेरा अकेली का सहारा हैं। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ठीक है दादी, दुनिया में अपूर्व क्या है? कार्तिक स्वामी हे सुख करता, चरण शरण तेरी हम आए, तू सर्वशक्तिशाली अंतर्यामी, ज्ञानवंत दयावंत तू सर्वज्ञ, आदि तू अंत तू अनंत भी तू, अपने भक्तों का सच्चा सहारा है तू, अब दया की नजर मुझ पे डाल दे। कैसी परीक्षा लेते प्रभु जी, हम अज्ञानी क्या जाने। मेरे प्रश्न का उत्तर इतनी सुंदरता से दिया आपने, आपकी दृष्टि में बुराई क्या है? केवल जपते नाम तेरा और तो कुछ भी जाने नहीं, केवल तेरी शरणागत है, केवल तेरी शरणागत है, आगे पीछे जाने नहीं, आगे पीछे जाने नहीं, राह दिखा भगवान।
अंतर्यामी मेरे इस जीवन को सफल बना दे। बहुत खुशी हुई, तामिल से आपने सारे जगत में प्रशंसा पाई है, ऐसी ज्ञानी है आप। लेकिन सबसे बड़ा क्या है? जन्म जन्म से तेरे दर की मैं हूँ जोगन मतवाली, तन मन जीवन तुझको अर्पण, सांस सांस में तुझे ये खाली यो ही नाम जाऊं, आज दर से यो न मैं लौटूं, ओ रहस्य प्रगटा, जन्म जन्म से ढूंढे जिसको, ज्ञानी ध्यानी मुनि विज्ञानी वो विराट रूप मुझे दिखला। गीता सुनाते कभी ज्ञान देते, दुष्टों को संहारते तुम, कर्म का पाठ देते सभी को कार्तिकेय। दादी माँ, देवलोक आपके गीत पर अवश्य मोह जाएंगे, अब बताइए खुशी क्या है, बताइए। मन मन मानी करना चाहे तुम्हें पालनहार प्रभु जी, है विश्वास अटल ये मन में, अतल वितल में कण कण में तू अगम अगोचर अविनाशी, तू यहाँ भी तू वहाँ भी तू सर्वव्यापी तू। अभूर्व, बुराई बड़ाई खुशी इन सब के बारे में कहाँ, नयापन क्या है बोलिए। वहरे लीलाधारी महिमा तुम्हारी, पड़ी निराली लीला प्यारी, कार्तिक स्वामी मुरुगन मैं अज्ञानी, लीला समझ न पाऊं लीलाधारी, मुरुगन मैं अज्ञानी, लीला समझ न पाऊं लीलाधारी। तेरा नाम ही है, तेरा दर्श ही है, तेरा ध्यान ही है मेरा बल, तेरा नाम ही है, तेरा दर्श ही है, तेरा ध्यान ही है मेरा बल, हर पल तेरी शक्ति तेरी भक्ति करते निर्मल, हर पल तेरी शक्ति तेरी भक्ति करते निर्मल। ज्ञान दे दे अब बता दे लीला के रहस्य, ज्ञान दे दे अब बता दे लीला के रहस्य, सर्वशक्तिमान कैसे पाऊं तुझ में समाऊं, सर्वशक्तिमान तुम्हें तन मन ये अर्पण, महिमा तुम्हारी अपरंपार लीलाधारी कार्तिक स्वामी। महाबली बड़े ही दयालु हो, बड़े ही कृपालु हो, बड़े ही दयालु हो स्वामी कार्तिकेय, विनती सुनो प्रभु स्वामी कार्तिकेय, विनती सुनो प्रभु। क्षण क्षण हर पल 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 मेरी उम्र बीत रही, क्षण क्षण हर पल 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 मेरी उम्र बीत रही, सांसे कुछ ही कुछ ही बचे करो करुणा हरे, ज्ञान ना मिला तो आज जान जाएगी मेरी। स्वामी, देवगणों को ऐसे बंदी बनाकर रखने हेतु उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया है? आप अपनी बहन की बात का विश्वास करके धर्म और न्याय को भूल गए हैं क्या? धर्म न्याय की बात मेरे भैया को बताने हेतु अब ज्ञानी ज्ञानी हो गई,
पत्नी को अपने पति को आदेश देना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत। पत्नी हो या बहन हो, ठीक समय पर जो धर्म और न्याय की बात करे वही सच्चा रिश्ता है। आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? अजय मुनि, क्यों ऐसी बात कर रही हो? वे भी तुम्हारे भ्राता हैं। भ्राता? भ्राता तो सिर्फ ये कहने के लिए ही है। तुमसे भी मेरा बहन का रिश्ता कैसे हुआ? कहिए, कहिए ना, आपने क्या निर्णय लिया है? देवगणों को और परेशान करेंगे क्या? आप क्या सोचते हैं ये भी तो बताइए। नहीं कहकर अंजुमनी का अहंकार तोड़ दीजिए। शांत हो जाइए। आप तीनों मिलकर मुझ पर शब्दों का प्रहार क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पक्ष में बोलूं। स्वामी, आप निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि धर्म को छोड़कर बुराई के मार्ग पर चल पड़े हैं। धर्म और बुराई के बीच में मेरी सत्यवाणी भी सोचनी चाहिए। ओह, आप तीनों मिलकर मुझे अंधा बना रहे हैं। नहीं, तीनों लोगों का नरेश बने रहना और राक्षसगण को राज करने का रास्ता बताती हूँ। पहले आप प्रतिज्ञा करें कि देवगणों को मुक्त कर देंगे। मेरे समक्ष प्रतिज्ञा कीजिए कि आप बुरा काम कभी नहीं करेंगे। बहन का हाथ काटने पर आप प्रतिशोध लेंगे, ऐसा वचन दिया था आपने मुझे। कहाँ गया आपका वो वचन, बताइए। अजमुनी, तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय है, मैं चलता हूँ। स्वामी, स्वामी, समय बीतता जा रहा है, शूरभद्र के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? उन्हें दंड दीजिए स्वामी। कुमार अपनी बाल लीला में मग्न है और आप भी मौन हैं। ये सब यूं ही चलता रहा तो देवगणों की स्थिति क्या होगी, बताइए स्वामी। उमा, अब समय आ गया है। कार्तिकेय के हाथों शूरभद्र की मृत्यु समीप है। कार्तिकेय की ज्ञान और शक्ति देवगणों को समझे, इसलिए उसे यहाँ लाया गया है। अब कार्तिकेय की वीरता को सारा जग देखेगा। कार्तिक, कार्तिकेय, अब समय आ गया है, शूरभद्र का वध करके अपनी कृपा भक्तों पर न्यौछावर करो। आज ही चलो, यही सही समय है। शूरभद्र को मारकर देवगणों को नया जीवन दो। पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वरदान प्राप्त शूरभद्र यदि अच्छाई का रास्ता छोड़ दे तो उसे अवश्य दंड देना चाहिए। आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझा और मुझे याद किया, इसी में मेरे विजयी होने का आशीर्वाद भी था। मैं शीघ्र ही निकलता हूँ। माताश्री, आशीर्वाद दीजिए। कार्तिके, मेरी शक्ति से उत्पन्न इस त्रिशूल से शत्रुओं की शक्ति का विनाश करके लौटना मेरे पुत्र। वीर वेल बनकर शूरभद्र का अंत करना, त्रिशूल का अर्थ कार्तिके और तुम्हारा अर्थ त्रिशूल होना चाहिए। इसे हमेशा अपने पास ही रखना, जहाँ भी इसे वध करने के लिए भेजोगे ये उसका वध करके वापस तुम्हारे पास लौट आएगा। ये भक्तों को ज्ञान देगा और शत्रुओं को दंड देगा। लो, इसे रख लो। हे पुत्र, त्रिशूल के अलावा तुम्हारी सहायता के लिए एक वीर और भेजता हूँ। वीर बाहु, तुम और तुम्हारे भाई सेना के सेनापति बनो और कार्तिकेय की सहायता करो। कार्तिकेय जहाँ जहाँ जाए वहाँ वीर बाहु साथ रहे और विजय घोष करते हुए आप सब आगे बढ़ो। सही समय पर भक्तों की रक्षा करने वाले ईश्वर, अहम से नाचने वाले सबको अपनी मुट्ठी में कैद करने वाले नरेश, आपकी आँख हिले तो राक्षस गण को हिला देंगे। आपके मुंह से निकले एक शब्द करो तो उन्हें पराजित करके देवगण को नया जीवन देंगे। माता श्री ऐसा मंत्र कहेंगे कि जाओ त्रिशूल और शत्रु को पराजित करके आओ और इस तरह बुराई को खत्म कर दो। जाओ, स्त्री की शक्ति और वीरता मिलाकर नाम रोशन करेंगे। माता, पराशक्ति आशीर्वाद दीजिए हमें। विजय होकर लौटो। मेरा सारा आशीष तुम्हारे साथ है। वीर बाहु, देवगणों को बंदी बनाकर अत्याचार करने वाले शूरभद्र को सही पाठ पढ़ाएंगे। माताश्री और पिताश्री की यही इच्छा है। उनको पाठ पढ़ाना ही नहीं प्रभु, उनके पापों का दंड उन्हें अवश्य देना चाहिए और इतना ही नहीं, उनके अहम को भी मिटाना चाहिए। सबक सिखाना ही नहीं, शूरभद्र से लेकर अंतिम राक्षस गण तक सबको मिटाना है हमें, कि देवगण को कोई परेशान न कर सके, कोई भी नहीं। समझ गए तुम? आपके पिताश्री से वरदान पाकर जीवित रहकर अब हमें ही परेशान करने निकला है।
उसे समझ में नहीं आता, उसे अपनी ही मर्यादा का मान नहीं है, मूर्ख। शूरभद्र, उसका वध करके उसके कुल को उसका शव भी न मिले, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे हवा में फेंक देना चाहिए कि उसका नामो निशान न मिले। अभी जाकर उन दुष्टों से प्रतिशोध लेना चाहिए। प्रतिशोध लेना ही नहीं, वीर महेंद्र के कुल को समुद्र में डुबोकर मिटाना है, हमें इस अवसर का लाभ उठाना है। और यदि वे वरदान पाने के गर्व से लड़ने आए तो हम क्या करेंगे? त्रिशूल के होते हुए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें विजय होकर लौटना है। कार्तिकेय, हमें आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। वीरबाहु, राक्षस गण तो अपनी बुद्धि खो चुके हैं और बुराई का काम कर रहे हैं, हमें भी उनकी तरह नहीं करना चाहिए। कार्तिकेय, अच्छे लोगों को अच्छे मार्ग से समझाना चाहिए और बुरे लोगों को बुराई के मार्ग से समझाना चाहिए, यही रीति है, नीति है। कोई पैदाइशी बुरा नहीं होता और मृत्यु के समय सारे के सारे लोग अच्छे बनकर नहीं मरते। वीरबाहु, बुराई का मार्ग अगर हम भी अपनाएं तो उनसे भी बुरे हम कहलाएंगे। आप धर्म का मार्ग अपनाना चाहते हैं, लेकिन असुरों को समझा के कोई लाभ नहीं होगा और देवगणों की स्थिति सोचे जो शूरभद्र के हाथों में कैद हैं। वीरबाहु, परेशानियों के बाद ही है सुख। सुख, यदि ये सुख सभी देवगण अनुभव करना चाहते हैं तो उन्हें परेशान करने वाले को मिटाना होगा, नाश करना होगा। इससे पहले यदि वो बुराई छोड़ दे तो? हाँ, वो कभी बुराई नहीं छोड़ेगा। वीरबाहु, शूरभद्र आज के समय में बुरा है, परंतु पहले शूरभद्र शिव जी का परम भक्त था, उनकी शक्ति के सिवाय कोई और शक्ति उसे मिटा नहीं सकती, ऐसा हमारे पिताश्री ने ही उसे वरदान दिया है। अब उसकी प्रशंसा कैसे करें? उसे अगर इस समय सत्य का मार्ग बताएं तो ये उसके लिए बहुत उचित रहेगा। कार्तिकेय, उसके भाग्य का निर्णय करने वाले ईश्वर, आपके हाथों उसका वध होगा, इसलिए आपको जन्म दिया है, आपकी सहायता के लिए हमें भी जन्म दिया, पाला और अब ये कार्य सौंपा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप शीघ्रातिशीघ्र कोई मार्ग निकाले। नव कुमार, आप सबकी इच्छा क्या है? हे प्रभु कार्तिकेय, उससे बातचीत करके हमें कोई लाभ नहीं होगा और राक्षस गांड समझौते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। युद्ध करने में ही हम सबकी भलाई है, अब हमें इस विषय पर सोचना नहीं चाहिए। शूरभद्र का वध करके न्याय को विजय कराना है। उसके लिए हमें शक्ति देंगी माता पराशक्ति और हम उसका वध करेंगे। कार्तिकेय, आज्ञा दीजिए हमें। वीरबाहु, युद्ध में जाने से पहले मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ, क्या उसे मानोगे? आज्ञा दीजिए, मैं अकेले जाकर शूरभद्र को यहाँ लाकर आपके चरणों में खड़ा कर दूंगा। नहीं, एक बार तुम दूत बनकर शूरभद्र के पास जाओ। दूत? सही तरीके से होने वाले युद्ध के लिए दूत को जाना चाहिए। वीरबाहु, जाओ। आहा। और उसे जाकर कहो कि उसने जो भी अपराध किए हैं उसे हम क्षमा कर देंगे। उससे कहो कि देवगणों को मुक्त करने पर उसे जीवन दान मिलेगा, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। कार्तिकेय की जय हो। कार्तिक, मुझ पर विजय प्राप्त करने की शक्ति उस बालक को दी किसने? ये कैसे संभव हो सकता है? कौन है ये बालक? इसको ये दिव्य शक्तियाँ किसने दी? तुम नहीं जानते वो कौन है। उसने तुम्हारा वध करने के लिए जन्म लिया है, वो त्रिशूल के साथ जन्मा है, देवगणों को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाला है। कार्तिकेय, शत्रुओं का शत्रु, मूर्ति में छोटा, वेदांतों का गुरु। नाम कितने हैं उस बालक के? उसे कंदन कहते हैं, कडम्बन, कार्तिकेय कहते हैं, गुहन है वो, षडानंद है, षणमुगम है वो। तुम्हारा वध करने के पश्चात वो पराक्रमी के नाम से जाना जाएगा। बस करो अपना भाषण। पहले ये बताओ, इतना विवरण देने वाले, इतनी प्रशंसा करने वाले, गर्व से बातें करने वाले, तुम कौन हो ये तो बताओ। हा? शिव हो क्या? शब्द, अर्थ और तीनों लोकों के नरेश और तामिल का ज्ञानी, 64 कला का अधिपति है, 6 शास्त्रों, 4 वेदांतों, भूतकाल का पुरानापन और भविष्य का नयापन, वही है कार्तिकेय, उसी का दूत हूँ मैं। वीरबाहु है नाम मेरा, समझ गए शूरभद्र? कार्तिकेय, दूत हो तुम? दूत ही नहीं, तुम्हारा शुभ चिंतक भी हूँ मैं। वीरबाहु, सिर्फ शूरभद्र ही मुझसे वार्तालाप करेगा, आप शांत होकर बैठ जाओ। तुम शांत रहो, इसको तो मैं अच्छी तरह से देख लूंगा। तुम देख लोगे? मैं देख लूंगा तुम्हें। कहां से आए हो और क्यों आए? यहां आने का कारण बताओ और जितना हो सके जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाओ, समझ गए? तुमने शिक्षा तो प्राप्त की परंतु उसका आदर करना नहीं सीखा। बेचारे, तुम भी क्या करोगे? जिस क्षण तुम्हारी बहन अजमुनी हाथ कटाकर आई उसी दिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दूध का सबसे पहले आदर करना चाहिए, उसे सम्मान पूर्वक बिठा के संदेश पूछना चाहिए, पर तुम दूध को खड़ा करके बातचीत कर रहे हो, क्या यही तुम्हारी नागरिकता है? आसन, और वो भी मैं तुम्हें दूंगा? ना समझ।
ये असुरों का दरबार है और यहाँ किसी और को विराजित नहीं करते। आसन पे बैठने का अधिकार सिर्फ शासनकर्ता को है। तुम्हारी इच्छा हो तो खड़े रहो, वरना चले जाओ यहाँ से। तुम क्या मुझे आसन दोगे? कार्तिकेय की कृपा से अपने लिए मैं स्वयं तुम्हारे समान आसन बना सकता हूँ, फिर उस पर विराजित होकर संदेश सुनाऊंगा मैं तुम्हें, तब तुम खड़े रहोगे और मैं आसन पर बैठा रहूंगा। कार्तिकेय, तुम्हारे पास सिंहासन है तो मेरे पास भी सिंहासन है, तुम्हारे पास राज नौकरानी है मेरे पास भी राज नौकरानी है, तुम असुर और मैं वीर, ठीक है? वीर बाहू, तेरा माया जाल देखकर तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? माया मंत्र ही मुझे जन्म देने वाली माता है, क्या ये नहीं जानते हो? उस माया जाल को बुनने वाले ही कंदन के पिताश्री हैं, क्या तुम इस बात से अनजान हो? उन्हीं पिताश्री कैलाशनाथ से कठिन तपस्या के पश्चात सदैव अमर रहने का वरदान प्राप्त किया है मैंने, क्या ये नहीं जानते हो तुम? वरदान प्राप्त करने पर तुम बुरा काम करने लग गए, इसलिए तुम्हारा शीश काट कर फेंकने 6 शीश और 12 हाथों वाला कंदन आया है, क्या तुम इस बात से परिचित नहीं हो शूरभद्र? है, एक हो या हजार, शूरभद्र को पराजित करने वाला आज तक इस संसार में न कोई पैदा हुआ है और न कोई पैदा होने वाला है। तुम्हें पराजित या वध करना कुमार की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने शब्दों से तुम्हें भस्म कर सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से बलवान का गौरव नहीं बढ़ेगा, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाओ। मुझे पराजित करोगे, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं समुद्र पार कर आया तेरे लिए, तेरी हड्डियों को तोड़कर तेरा हार बनाकर पहनूंगा मैं, परंतु मेरे कार्तिकेय ने मुझे आज्ञा नहीं दी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वीर बाहू, ये किसकी जगह है और तुम यहाँ किससे बात कर रहे हो, ये सोच कर बात करो। जानता हूँ मैं वीर महेंद्रपुरी में हूँ और यहाँ बंदी बने देवगणों को देवलोक ले जाना मेरा कर्तव्य है। आप लोग क्यों क्रोधित होते हैं? आप क्रोधित मत होइए, नहीं तो ये देश आपके देश को कंदन जलाकर राख कर देगा, समझ गए? अरे मूर्ख, अगर तुम्हें अपनी जान से जरा भी मोह है तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। भागने वाला मैं नहीं, पर तुझे भी कोई लाभ नहीं होगा शूरभद्र। मैं कार्तिकेय का दूत तुझे संदेश देता हूँ, सुनो। अत्याचार सहन कर रहे देवगणों को मुक्त करके षडानंद के शरणों में आ जाओ, नहीं तो शूरभद्र तुम इस देश के नरेश नहीं रहोगे, तुम्हारा वारिस नहीं रहेगा और इस धड़ पर तुम्हारा शीश नहीं रहेगा। अरे महामूर्ख, मेरी शक्ति से अनभिज्ञ हो इसलिए बोल रहे हो तुम। तुम अकेले आए हो इसलिए तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। जाकर अपने कार्तिकेय से कहो कि हमसे युद्ध करने आना बहुत बड़ी मूर्खता है, और उसे मेरे चरणों में आकर गिरने को कहो। अगर मुझे समझ में आया तो मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा। शूरभद्र, तुम बहुत अहंकारी हो, इस सोच को त्याग दो और कंदन से क्षमा मांग लो, उनके चरणों में गिर जाओ, यही समय है, नहीं तो कल सवेरे तुम्हारी मृत्यु मृत्यु मृत्यु। पराजय और मृत्यु शूरभद्र की नहीं होगी, तुम्हारे कार्तिक की ही होगी। जाओ। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, देवगणों के शत्रु बन गए हो, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले, धर्म को हवा में उड़ाने वाले असुरों के घमंडी नरेश, तुम और तुम्हारे परिवार की मृत्यु कंदन के हाथों लिखी है, यही धर्म है और यही मेरा संदेश है, मैं आज्ञा लेता हूँ अभी। क्या कहा? ठहरो, मूज दूत को मारना तुम्हारे लिए पाप है और मैं दूत तुम्हें मार दूं तो मेरे लिए भी वो पाप माना जाएगा, तो युद्ध भूमि में मिलेंगे, आज्ञा लेता हूं। अरे मूर्ख दूत, चले जाओ जिस रास्ते से तुम आए हो। स्वरूप में तुमने मुझे छोटा कहा था, अब तुम मेरी आंखों के सामने और भी छोटे लगते हो। कंदन ने राक्षस जानकर तुम्हें इतना सब कहने दिया है, जब तुम्हारे पापों का घड़ा भर जाएगा तब कंदन तुम्हारा वध करेंगे और उनके हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और फिर समय बदलेगा, धर्म की जीत होगी। ये त्रिशूल की आज्ञा है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये ईश्वर के शब्द है और ये सब माता पराशक्ति ने कहा है, माता पराशक्ति ने कहा है, याद रखना मेरे शब्द, ये सब माता पराशक्ति की आज्ञा अनुसार होगा। दौड़ कर जाओ और वीर बाहू को पकड़ कर मेरे सामने प्रस्तुत करो। जाओ, वो जहाँ भी मिले उसे जीवित मेरे पास लाओ। तुम लोग जितना चाहे उस पर अत्याचार कर सकते हो। छोड़ दो शूरभद्र,
वीर बाबू को और अपने घमंड को। अपनी सेना के साथ जब ईश्वर इस देश की सीमा में आ पहुंचे हैं तो उसी समय हम कमजोर पड़ गए। अब उनके चरणों में जा गिरने के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं। चाचा जी, वीर बाहू पर क्रोध से अधिक मुझे आप पर क्रोध आ रहा है। युद्ध को जाते समय आप रोकते हैं क्या? आपकी मान मर्यादा नहीं है क्या? आपका खून खौल नहीं उठा? मेरे पिताजी तो आपके भाई हैं। उन्हें जिसने बेइज्जत किया हम उसी के चरणों में जाकर, छी, उससे बेहतर होगा कि हम मर जाएं। वान गोपा जाओ और कुमार तुम उसकी सेना को पराजित करके लौटना। देवगण, सुख सुविधाओं से संपूर्ण देवलोक में रहने वाले हैं हम लोग। यहां राक्षसों की कैद में फंसे हुए हैं, उनके अत्याचार सह रहे हैं। कब हम यहां से मुक्त होंगे ये आज तक हमने नहीं जाना। हे देवेंद्र, हमारी सारी दुविधा आप जानते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो हो रहा है होने दो, विधि में जो लिखा है वही होगा। आ गए कार्तिकेय, आप लोगों को यहाँ से बचाकर ले जाने के लिए और जीवन दान देने के लिए तिरुचंदूर में ठहरे हैं। वे मिटा देंगे शूरभद्र को और असुरों का वध करेंगे। आज आपको बचाएंगे। स्वामी, आप कौन हैं? पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये भी असुरों का कोई माया जाल होगा। ये हमारे मन को परख कर हम पर और अत्याचार करेंगे। इन असुरों की मायावी चाल को मैं समझता हूँ, इनका विश्वास न करें। बेचारे, आप लोग अत्याचार की सीमा पार कर गए, इसलिए सत्य भी नहीं दिखाई दे रहा आप सबको। आप सब मेरा विश्वास करें, शिव की तीसरी आंख से जन्मा वो कार्तिकेय शूरभद्र का वध करने के लिए जन्मा है और इस कार्य में उसकी सहायता करने वाला मैं हूँ, वीर बाहु देवन। क्या अब आपको विश्वास आ गया? अब कोई शंका नहीं, हमें आप पर पूरा विश्वास है। वीर बाहु, हमें क्षमा करें। शूरभद्र के अत्याचार में मिटने वाले, कष्ट में फंसे हुए हम देवगणों को क्या आज मुक्ति मिल जाएगी? क्यों नहीं, क्या कोई संदेह है? राक्षसों को मिटाकर आपको मुक्त कराने की शक्ति माँ पराशक्ति ने मुझे दी है। परंतु ऐसा करने से कंदन का नाम ऊंचा नहीं होगा, इसलिए आप सब शांत रहिए, बता लेने में विलंब है। हम पर अत्याचार करने वाले शूरभद्र और उसके साथियों से हमें बदला जरूर लेना चाहिए। शत्रु को कैद करने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये भूलने वाले शूरभद्र को अच्छा पाठ पढ़ाएंगे। चिंता मत करो आप सब। हमें सांत्वना देने आए हो वीर बाहु? हम सारे देवगण आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगर कार्तिकेय आपको देवलोक का जीवन प्रदान करता है तो आप सब उन्हें क्या प्रदान करेंगे? मुझे फिर से प्राप्त होने वाले इंद्र के सिंहासन को उन्हें उपहार में दूंगा। पदवी वो इन सबसे बढ़कर है। उसने कैलाशनाथ को उपदेश देकर पिता गुरु का नाम भी पाया है, उनको पदवी देने की बात कर रहे हैं। देव कार्तिकेय को यदि हम इंद्र का दामाद बना दे तो? वो कैसे? देव सेनापति बनकर आए तिरुकुमार को दिव्यानी को उपहार में दिया जाए तो? अच्छा सुझाव है, अनमोल उपहार है। विजय होने के पश्चात वे इस कन्या से मिलेंगे, प्रसन्नता की बात है। प्रसन्नता की बात है? आज से अपने कष्ट भूल जाओ, मैं आज्ञा लेता हूँ। वीर बाहु, सिर्फ एक विनती है। क्या? हमारी मुक्ति के लिए आए कार्तिक का रूप हम देवगणों को देखना है। कार्तिके, पांच चेहरों के बाद छठा चेहरा आता है। वो प्रकट होने से पहले त्रिशूल आएगा। मन में एक बार सोचोगे तो दो बार प्रकट होंगे। कार्तिके, कार्तिके। वीर बाहु, क्या तुम शूरभद्र से मिले? तुमने उसे मेरा संदेश दिया? मैंने उसे संदेश दिया और उसे समझाया भी, परंतु वो अहंकार से भरा हुआ है। उसने मुझे ललकारा, मैं अत्यधिक क्रोधित हो गया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, शांत रहा। अंत में वो तलवार फेंकने आया तो मैंने कहा, शूरभद्र केवल त्रिशूल लेकर तुम्हारा वध करने आया है कंदा, तुम्हारा वध निश्चित है। वीर बाहु, मैं शांति से व्यवहार कर रहा हूँ, परंतु शूरभद्र सुधर नहीं रहा। अब समय बिताकर कोई लाभ नहीं है। शूरभद्र के देश की ओर हमारी सेना ले चलो। हाँ, एक विनंती है। वो क्या? शूरभद्र के शहर के रास्ते में उसका भाई तारहा राज कर रहा है और वो बड़ा ही पराक्रमी है। वो कवीना पर्वत पे राज कर रहा है। पहले उस पर्वत को तोड़कर तारहासुर का वध करें तो हमारी सेना बिना रुकावट के आगे बढ़ सकती है। कितना प्यार है भाइयों में। तारहा की ये इच्छा कितनी अच्छी है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई की मृत्यु हो। प्यार हो तो ऐसा है। उसकी इच्छा अच्छी है परंतु उसका काम वैसा नहीं है और आप उस पर करुणा दिखा रहे हैं, ये कैसा खेल है। ठीक है, तो अब हम चलें। जैसे आपकी आज्ञा। कार्तिकेय, वो वहां देखिए।
समुद्र को छुपाता हुआ गगनचुंबी पर्वत वो है जिसका नाम है क्रोध पर्वत। वहीं शूरभद्र का भाई राज करता है। वीरबाहु, ये कैसा आश्चर्य है? ये विशाल पर्वत तो अपने भाई की नगरी को छुपा रहा है। कार्तिकेय, प्रथम इस पर्वत को तोड़े, तभी हमें शूरभद्र की नगरी नजर आएगी। वीरबाहु, माता श्री द्वारा प्राप्त त्रिशूल का कार्य होगा इस पर्वत को तोड़ना। यही नहीं, ये पर्वत ध्वस्त होने के बाद राक्षसगण अत्यधिक भयभीत हो जाएंगे। कुमार, शुरू कीजिए शुभ कार्य में देरी कैसी। विजय हो। विजय हो। क्रांत पर्वत ध्वस्त हो गया। अब शूरभद्र का समय निकट आ गया। शक्तिमान की शक्ति अब सारे जगत में जानी जाएगी। कार्तिकेय, आज्ञा दीजिए, हमारी सेना निकल पड़ेगी। वीरबाहु, शूरभद्र का शहर वीरबदमपुरी की सुंदरता देखो। समुद्र के मध्य इतना बड़ा शहर बसाने में कितनी कठिनाई उठानी होगी। इन सबको हम एक ही क्षण में मिटा देंगे। मरने वाले पर आखिरी बार की जाने वाली करुणा है ये। अब समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उसकी सेना आने से पहले हमारी सेना उसके शहर को शीघ्र घेर लेंगी। आज्ञा दीजिए। वाहन गोपा, मेरी ज्वाला भड़क उठी है। उस कार्तिक ने भाई तारकासुर का वध करके विजय मल्ल जहां वो रहता था उस स्थान को भी मिटा दिया है। ये सूचना सुन के मैं बहुत दुखी हुआ। ऐसे समय में जब हमारे जितना कोई शक्तिशाली नहीं है, पता नहीं ये नया शत्रु कहां से पैदा हो गया। पिताजी, आप चिंता न कीजिए, आपकी आज्ञा क्या है बताइए। तुरंत तैयार हो जाओ कार्तिक, वीरबाहु और उनकी सारी सेना को मिटा दो। असुरों की मान मर्यादा की रक्षा करो और अपने अपमान का अवश्य बदला लो। विजयी भावा। स्वामी, आप किस युद्ध पर जा रहे हैं? देवताओं से युद्ध करने के लिए। ये जानते हुए भी कि सामने वाले बहुत शूर हैं। कोई बात नहीं प्रिय, ये पिताश्री की आज्ञा है। क्यों? शत्रु की सेना की ताकत का गलत अंदाजा लगाया। इसका परिणाम ये हुआ, हमारी सेना का कोई भी सैनिक वापस नहीं लौटा है। हमारे शत्रु शक्तिशाली हैं, ये जानकर क्यों युद्ध आगे बढ़ाएं? यदि दोनों समझौता कर लें तो दोनों ओर की सेना बच जाएगी और कुछ भी नष्ट नहीं होगा। स्वामी, आज मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा और देखूंगा, फिर जानकारी होगी कि विजय किसकी होगी। आज्ञा दो। नहीं। घबरा गई ना समझ? इस जगत में कोई वान गोपा के विरुद्ध खड़ा हो सकता है क्या? तीर और तलवार तो कोई बात नहीं, परंतु ये त्रिशूल तो नया है। हे देवी, तुम्हारी नशीली आंखों के तीर से तो मैं घायल हो सकता हूँ, परंतु कार्तिकेय का त्रिशूल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धैर्य से मुझे विदा करो कि विजयी हो जाऊं। गोपा, क्या हुआ? कंदा, अदृश्य हो गया ये शूरभद्र का पुत्र। वीरबाहु, वो चाहे जहाँ भी जाए उसकी मृत्यु अवश्य होगी। युद्ध में जाकर मैं तीर को कमान में रखता हूँ, तलवार निकालता हूँ, तभी ऐसा लगा उस कार्तिकेय के समक्ष प्रणाम करने की इच्छा हुई। अरे मूर्ख, इतने में ही तू बस डर के भाग आया? मूर्ख नहीं हूँ पिताश्री, मैं चाहता हूँ कि आप महेंद्रपुरी पर राज करें, इसलिए मैं कहता हूँ कैद में बंदी बने देवगणों को तुरंत मुक्त कर दीजिए, यही मेरी अंतिम विनती है। भान गोपा, क्या अपने पिता के प्रति यही कर्तव्य है? क्या मैं तुम्हारा पिता हूँ या तुम मेरे पिता हो?
मुझे इसका अंतर तो समझा दो। संसार का यही खेल है, आज्ञा दीजिए। विजयी भव। इतने समय कार्तिकेयन के साथ युद्ध करने के पश्चात मैं भी समझ गया कि भविष्य में कोई भी उनसे युद्ध में जीत नहीं सकता। कार्तिकेय, ये क्या बच्चे के साथ हम खेल खेल रहे हैं? अंत कर दीजिए इसका। वान गोपा, मेरा पुत्र, बेटा पिता के आखिरी कर्तव्य को निभाता है, परंतु अब तुम्हारी अंतिम क्रिया मुझे करनी होगी। पुत्र कार्तिक, मेरे पुत्र को समाप्त करने वाले मैं तुमसे प्रतिशोध अवश्य लूंगा। तुम्हारे दोनों तरफ बलवान थे, तुम्हारे भाई और तुम्हारे पुत्र। इन सब की मृत्यु के बाद तुम्हें अब पता चला कि जो आया है वो ईश्वर की बहुत बड़ी शक्ति है। उस दिन ईश्वर ने वरदान देते समय यही कहा था, मेरी शक्ति के अलावा कोई और शक्ति द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। क्या तुम्हें याद नहीं है? सब कुछ याद करो। कुमरन को बालक समझते हो, वही हमारे कुल को मिटाने आया है। गलती करना सामान्य है, पर उसे ठीक करना आदर करने के बराबर है। सब कुछ याद करो। जी। अरे मूर्ख, तुम अहंकार में बड़बड़ा रहे हो। इस कुल को मिटाने वाला आज और पहले भी हमारी मृत्यु चाहता है। शत्रु का हृदय जीतने के लिए और हमें पीठ दिखाने के लिए क्या तुमने इस जगत में जन्म लिया है? मैंने क्या गलत किया जो तुम मुझे धर्म सिखाने आए हो? हमारा रिश्ता मैंने हमेशा याद किया है, और युद्ध में जाकर लड़ने से मैं घबराता नहीं हूँ। परंतु मेरी मृत्यु के बाद तुझे बुद्धि आ जाए तो ठीक है, आज्ञा दो। कोई रुकावट नहीं, विजयी भावा, जाओ। सिंह मुखा, क्या बात है? क्यों चिंतित हो रहे हो? मैं वापस नहीं लौटूंगा और तुम इस भूमि पर राज नहीं करोगे। जाता हूं। कार्तिकेय, यह तो बहुत शक्तिशाली है, हमारी सेना का पराजय हो रहा है। सिंह मुखा, तुम्हारी भी मृत्यु हो गई, असुर कुल पूरी तरह से मिट गया। कुमार, अब मैं स्वयं आता हूं, तुम्हें और तुम्हारी संपूर्ण सेना को मिटाकर ही लौटूंगा। शूरभद्र, तुम कितने अधर्मी थे जानते हो? कितनी अहंकार से बात की थी तुमने, अब स्वयं अपनी स्थिति देखो। तुम तो अनाथ हो ही गए बेचारे। सारे अस्त्र खोकर खड़े हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। युद्ध भूमि को एक बार देखो, तुम्हारे अहंकार की वजह से राक्षसगण मिट गए, निष्पाप लोग भी मारे गए। अब किसको भेजोगे बोलो? दयनीय शूरभद्र। शूरभद्र, तुम्हारे पास अब भी समय है। देवगणों पर अत्याचार करने के लिए मुझसे क्षमा मांगो, कोई जल्दी नहीं है। एक दिन सोचने का समय देता हूँ तुम्हें, आज जाओ, कल फिर मिलेंगे। शूरभद्र, शूरता और वीरता हमेशा तेरे नाम के साथ जुड़ी रही, परंतु ये कैसा समय आ गया है, तुम अकेले पड़ गए हो। कारण, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। विचार विमर्श के लिए मंत्रीगण नहीं है, युद्ध पर जाने के लिए सेनापति नहीं है। आज अनाथ हो गए हो तुम।
आज मदद करने वाला कोई भी नहीं है। मेरे प्राण नहीं लिए उसने। कहा उसने कि आज जाओ फिर कल मिलेंगे। मुझे पराजित करो तुम, मैं तो तुम्हारे शब्दों से प्राणहीन हो गया हूँ। स्वामी, ये कैसा बुरा समय आ गया है। विजय तो आपके सदा चरणों में रहती थी, आपकी दशा ऐसी बुरी क्यों हो गई? सदा विजय का अमृत पीने वाले आपके इतिहास में ये पराजय कैसे आ गया? और आप पराजय होकर शीश झुकाकर इस तरह आ रहे हैं, ये कैसी दुविधा है? अब आपके पास एक दिन का समय है, परंतु आप मुझे जीवन दान देकर कुमरण के चरणों में जाकर उनसे क्षमा मांगी है, या फिर मुझे अवसर दीजिए कि सारी स्त्रियां ये कहें कि आपकी पत्नी ने सुहागनी अपने प्राण त्याग दिए। परम कोमले, मैं स्वयं दुखी होकर आया हूँ, अब तुम मुझे और दुखी ना करो। मैंने अपने देश का नाम वीर महेंद्रपुरी रखा, ये सोचकर कि मृत्यु के द्वार पर खड़ा मनुष्य भी अगर इस धरती पर कदम रखे तो महापराक्रमी हो जाएगा। परंतु आज तो मैं स्वयं ही अपनी वीरता उस कुमार के चरणों में डालकर रिक्त हाथों से घर लौट आया हूँ। कोमले, इतने सारे मनुष्यों का उपदेश आपने अस्वीकार किया, जिसकी वजह से आज आप दुखी हैं। सत्य है, मैंने अस्वीकार किया, इतने लोगों का उपदेश नहीं माना, ये सोचकर कि कुमार को आसानी से पराजित कर दूंगा। परंतु आज स्वयं युद्ध में जाने के पश्चात ज्ञान हुआ कि शूरभद्र एक वीर से युद्ध कर रहा है। उसके युद्ध कौशल को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। प्रिय, हमें जीवन का वरदान देने वाले कैलाशनाथ का पुत्र है कुमरण, आप ये कैसे भूल गए? आदि भी वही है और अंत भी वही, क्या हम उन्हें मिटा सकते हैं? बोलिए। परम कोमले, जो भी हो, जब तक इस संसार में कार्तिक का नाम रहेगा, शूरभद्र का नाम भी तब तक रहेगा। स्वामी, ये कैसा गर्व है आपको? ना समझ, कुमार की महिमा शूरभद्र के बिना अधूरी रहेगी, ऐसी प्रसिद्धि मिली तुम्हारे स्वामी को, मैं गर्वित महसूस कर रहा हूं। जाओ। गलती का एहसास करके क्षमा मांगने पर उनसे जीवन और प्रसिद्धि दोनों मिलेंगी आपको स्वामी, ऐसा अवसर आप ठुकरा रहे हैं। पर कौन मिले, इन राक्षस गणों के पाप धरती पर बढ़ चुके हैं, अब इन्हें मिटा पाना असंभव है। मुझे अन्य लोगों की तरह कायर मत बनाओ तुम। ये वीर शूरभद्र कभी किसी के सामने नहीं झुका है, उनको मारकर मैं भी मर जाऊंगा। स्वामी, ऐसा कहिए कि मैं लौट कर आऊंगा। परम कोमले, अब इसे मत दोहराना और अभी यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारे पति की आज्ञा है। वीर महेंद्रपुरी की मिट्टी, मैं शंकित हूं, मैं कल जीवित रहूंगा या तेरी गोद में मर मिटूंगा, मुझे इसकी परवाह नहीं। कार्तिक,
कार्तिकेय जय कार्तिकेय जय कार्तिकेय जय शक्तिवान कार्तिकेय सर्वशक्तिशाली प्रभु शत्रुओं का नाश करे कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय शक्तिवान कार्तिकेय सर्वशक्तिशाली प्रभु शत्रुओं का नाश करे कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय शक्तिवान कार्तिकेय से मिला ज्ञान है असुरों का वध करे वरदान है आदि शक्ति माँ से मिला ज्ञान है असुरों का वध करे वरदान है पर्वतों को चूर करे कार्तिकेय पर्वतों को चूर करे कार्तिकेय आशीष त्रिदेव देते कार्तिकेय आशीष त्रिदेव देते कार्तिकेय शक्तिवान कार्तिकेय सर्वशक्तिशाली प्रभु शत्रुओं का नाश करे कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय शक्तिवान कार्तिकेय कण कण में भगवन है कहते प्रभु कार्तिकेय भक्तों के दुख संकट हरते हैं कार्तिकेय कण कण में भगवन है कहते प्रभु कार्तिकेय भक्तों के दुख संकट हरते हैं कार्तिकेय फेंका त्रिशूल लौट आता है प्रभु के हाथ फेंका त्रिशूल लौट आता है प्रभु के हाथ जय जय सब बोल रहे सदा विजयी कार्तिकेय जय जय सब बोल रहे सदा विजयी कार्तिकेय शक्तिवान कार्तिकेय सर्वशक्तिशाली प्रभु शत्रुओं का नाश करे कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय शक्तिवान कार्तिकेय वीरबाहु माथे पर तिलक लगाकर शूरभद्र का वध करने की याद में यह स्थान आज से तिरुचेंदूर के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी इस जगह पर आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। हे शिवपुत्र, आपकी महिमा के गुण गाने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। जिसने पेड़ के रूप में शूरभद्र को दो अंगों में बांटकर एक अंग को मोर और दूसरे को मुर्गा बना दिया, आपकी वीरता महान है, अपरंपार है। बड़ी खुशी हुई। तुम तुरंत जाओ और कैद में से देवगणों को छुड़ा करके देवलोक को इंद्र के हाथों सौंप कराओ। इंद्र को देवलोक लौटाने वाले कार्तिकेय की जय हो। राक्षस गणों को मिटाकर शूरभद्र को पराजय करके देवलोक इंद्र को लौटाने की कीर्ति मुर्गण की है। देवलोक के नरेश देवराज इंद्र, मेरा काम पूरा हुआ। आज से अच्छा समय शुरू हुआ है। हमें मुर्गण की पूजा आराधना और गान करना चाहिए, उनकी जय जयकार करनी चाहिए। हमारा संकट दूर करके जीवन प्रदान करने वाले कार्तिक को धन्यवाद। देवलोक की सभी स्त्रियां कार्तिक भगवान के सदा आभारी रहेंगी। बहुत अच्छे। जयता, जैसा हमने कहा था वैसा हमने कर दिखाया, परंतु आप लोगों ने वैसा नहीं किया जैसा आपने कहा था। क्या वीर बाहु? क्या याद नहीं है तुम्हें? शूरभद्र की कैद में आप लोगों ने कहा था मुर्गन हमें जीवन प्रदान करेंगे तो आप उन्हें कुछ उपहार प्रदान करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह याद है। हमें भी उसका इंतजार है। फिर लड़की के बारे में आप कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? वीर बाहु, लड़की को बड़ी खुशी से भेंट करेंगे, परंतु रिवाज के अनुसार लड़के के माता पिता को स्वयं यहाँ आकर विवाह की बातचीत करनी चाहिए। ऐसी बात है। ईश्वर, इंद्राणी ने ठीक ही कहा है वीर बाहु।
समाज में रीतियां निर्धारित करने वाले हम देवगण, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए और न ही हमें उसे खंडित करना चाहिए। उमा, विवाह की बात आप शुरू करिए। इंद्राणी, देवेंद्र, क्या आप अपनी पुत्री देवयानी का विवाह हमारे पुत्र कार्तिकेय से करना स्वीकार है? देवी, इंद्रयानी ने परिहास में कहा और आप उपस्थित हो गईं। हमें जीवन दान देने वाले कार्तिक के साथ देवयानी का विवाह हम प्रसन्नता से करेंगे। जब रिवाज की बात आ ही गई है तो अब सब कार्य विधि अनुसार ही संपन्न होने चाहिए। मैंने सही कहा ना देवी? लड़की वाले दूल्हे को किन चार तरह से दहेज देंगे, जरा इन्हें पूछिए तो। प्रभु, जैसा मैंने कहा, चार तरह के दहेज के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। अरे जयंत, वो कौन से चार तरह के दहेज हैं? उसका जरा विवरण तो दीजिए। भगवान, शर्म, सुशीलता, पवित्रता, हया, इन चारों गुणों को दहेज के रूप में भगवान कार्तिकेय को दहेज के रूप में देंगे। नहीं नहीं, आभूषण कौन कौन से देंगे ये बताइए आप हमें। जैसी आपकी इच्छा हो हम वैसा ही देंगे। बालों का जूड़ा, चांद का दो जूड़ा, गले में नौ रत्न हार अथवा नाक में हीरो की दो नथनी, कानों में सुंदर झुमके और कुंडल, गले का हार, हीरो का हार, नौ रत्न मालाएं, कमल का हार, बाहों के दो बाजू, कलाई में दो सोने के कंगन, मोतियों और हीरो के हार, हीरो के कंगन, नौ रत्न कंगन अथवा कमर के करधन, पैरों में लच्छा और पैंजन। ठीक कहा ना? इसके आगे हमें क्या चाहिए वो आपको सोच के बतलाएंगे। देवी, आप ही कुछ कहिए। अरे बाबा रे, बस क्या और क्या चाहिए देवी। स्वामी, क्या स्त्रियाँ कभी आभूषण और वस्त्र लेने से मना कर सकती हैं भला? भगवान, इन सबसे बढ़कर उसको मान के आभूषण के साथ हमारे कुल की मर्यादा को आदर से भेजेंगे। ठीक है ना भगवान? जयंता, तुम बहुत अच्छा बोलते हो। लड़की के दहेज के बारे में आप जब इतनी पूछताछ करते हैं तो क्या हम लड़के के बारे में एक प्रश्न पूछ सकते हैं? जयंता, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या पूछोगे, उसका उत्तर भी मैं दे देता हूँ। तीन तमिल लोग से उनका संबंध है, उनके साथ जन्मा, उनके संस्कार की उनकी प्रणावपुर माँ के साथ जन्मा, मामा नारायण की संपत्ति में सोने के वस्त्र और बहुत सारे आभूषण, इससे बढ़कर समुद्र की बहने वाली लहरें कार्तिकेय की बुआ की संपत्ति है, आप समझ ही गए होंगे। पिता के सम्मान की संपत्ति चांदी का पर्वत है, माँ की संपत्ति है उसका दिया हुआ शस्त्र। बहुत है या और कुछ? ईश्वर, ये कैसा खेल है, आप आज्ञा दीजिए, हम दिव्यानी का कन्यादान खुशी खुशी करेंगे। पर्वत के पराक्रमी का विवाह पर्वत पर ही होना चाहिए। वीर बाहु, जयंत, ध्यान से सुनो, कार्तिकेय और देवयानी का विवाह तिरुपुर गुंडरम में करो। देवताओं को राक्षस गण से मुक्त करने के पश्चात भेंट स्वरूप मुझे मिली देवयानी, ठीक है ना? स्वामी, देवयानी आपका उपहार है और त्रिशूल से विजय होकर तमिल को राज करने वाले आप मेरी भेंट हुए ना? सही कहा ना? देवी, हर कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को बोलने का अवसर देता है, यदि वो बोलने में विजयी हुई तो उसे उसके हृदय में स्थान मिल जाता है। आपकी अर्धांगिनी बनी, आपके जीवन का मैं अटूट हिस्सा हो गई हूँ, ऐसा करने से मैंने अपने माता पिता को गर्वित किया है। स्वामी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? शुभ और अच्छा समय देखकर सबके समक्ष आशीर्वाद से ये मंगल सूत्र पहनाया, उसी क्षण तुम मेरी हो गई। अब तुम कुछ भी पूछ सकती हो। स्वामी, नान मुगन कलवाण को आपने जीभ में स्थान दिया, नारद ने तिरुवाणन को अपने हृदय में बसाया है, नाद सुर का राजा मेरे मामा ने उमय को सम्मान और स्थान दोनों दिए हैं, इसका मतलब क्या है? देवा,
नायक सबसे पहले अपनी पत्नी को बात करने का हक देता है। उसमें उसकी सभ्यता देखकर उसे अपने हृदय में स्थान देता है। उसमें वह सदा के लिए स्थान पाती है और फिर उसे समान अधिकार देता है। इस परंपरा को संसार में सबको उदाहरण देने के लिए ऐसा किया है। इसे सबको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है, विवाह के समय वर के पैरों में आभूषण और वधु के गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है, इसका क्या मतलब है? पुरुष वर्ग सदा शीश उठाकर चलते हैं और स्त्रियां सदा शीश झुकाकर चलती हैं। शीश उठाकर चलने वाले पुरुष के नजर में एक स्त्री आए तो वह उसके गले का मंगलसूत्र देखकर वह समझता है कि यह विवाहित है। वैसे ही शीश झुकाकर चलने वाली स्त्री पुरुष के पैरों में आभूषण देखती है तो समझ जाती है कि किसी और का अधिकार इस पुरुष पर है। इसीलिए इस रिवाज के अनुसार विवाह के समय वर के पैरों और वधू के गले में आभूषण पहनाया जाता है और इस तरह स्त्री और पुरुष को अलग किया जाता है। अरे बाप रे, ये रीति रिवाज कितने अर्थ भरे होते है ना। मेरे पूर्वजों ने यह रास्ता दिखलाया कि सत्य के रास्ते पर ही सब चलें। वो सब ठीक है, हमारे विवाह के समय एक ही रिवाज ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। रिवाज में कैसी तकलीफ? बताओ देवा। बताते हुए भी मुझे दुख होता है। देवा, मैं जानना चाहता हूँ, बोलो। सबके समक्ष आपने अपने हाथों से मेरे चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया, क्या ऐसी रीति करना बहुत अनिवार्य था? बताइए मुझे स्वामी। देवा, उसमें एक बहुत बड़ा तत्व निहित है। कैसा तत्व? पत्नी के चरणों को प्रणाम करने वाला तत्व? विवाह के बाद प्रत्येक दिन पति पत्नी के चरण छूती है, पर केवल विवाह के दिन ही पति अपनी पत्नी के चरणों को छूता है। परंतु ऐसा क्यों करते हैं? वर वधू के चरणों को प्रणाम करने का तात्पर्य यह है कि मैं अपनी मर्यादा और मेरे कुल का मान तुम्हारे चरणों में रखता हूँ, इसे संभाल कर रखना। इसलिए एक बार वर वधू के चरण छूता है, ये परंपरा बहुत पुरानी है। ठीक है, इतने रिवाज के बाद पति पत्नी के चरणों को हाथों में लेकर उसे पत्थर पर क्यों रखता है? उसका एक कारण है देवी। क्या कारण है? पत्थर कभी भी पिघलता नहीं है, केवल फूट जाता है। वैसे ही स्त्री को भी जीवन भर अपनी मान मर्यादा को पति की मर्यादा समझकर पत्थर की तरह मृत्यु तक साथ निभाना चाहिए, ये ही रिवाज है। स्वामी, सब आपको तीन तमिल के राजा कहते हैं, उसका अर्थ मुझे आज समझ आया। सच कहूँ तो इस देवलोक में केवल मैं ही भाग्यशाली हूँ। आपकी पत्नी बनकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। कैसे देवी? मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी?
बंदगी अपने महल में मैं तो सोई हुई, पीछे से आके तुमने आंखें बंद की, नींद से उठकर ढूंढूं मैं तुमको, नींद से उठकर ढूंढूं मैं तुमको, तब ये बताए सखी सपन है ये रानी, हृदय बसे हो, हृदय बसे हो, मन ये माने जन्म हुआ है तुमसे ब्याह करो। बातों से तुमने जीता दिल मेरा, लाल शोल वाला प्यारा नाम है तेरा, मोहक बातों से तुमने जीता दिल मेरा, हाथ के त्रिशूल से सब शत्रु जीते, हाथ के त्रिशूल से सब शत्रु जीते, पर आंखों के तीर से मुझको जीता, हृदय बसे हो मन ये माने जन्म हुआ है तुमसे ब्याह करो, हृदय बसे हो मन ये माने जन्म हुआ है तुमसे ब्याह करो। कार्तिके, सदा हमारे साथ समय व्यतीत करने वाले अभी देवयानी से विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है, पर हमें भूलना नहीं। वीरबाहु, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ, मुझ में आप सब और आपके मन में मैं हूँ। नहीं, मैंने सुना है कि आप किसी स्थान पर विश्राम करने जा रहे हैं। सत्य है, शूरभद्र का वध करने के बाद मेरी शक्ति कमजोर हो गई है, इसलिए मैं विश्राम पर जा रहा हूँ। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मैं वहाँ अकेले ही जाना चाहता हूँ। कन्या पर्वत पर अकेले? कारण? कारण कुछ भी नहीं है वीर बाहू। कंदन, सब काम का एक कारण होता है, कहिए। मैं तुमसे अब और नहीं छुपा सकता, तुम्हें सत्य बताता हूँ। कहिए। अमरवल्ली और सुंदरवल्ली नाम की दो बहनों ने मुझे पाने के लिए ध्यान किया था, उसमें से बड़ी बहन देवयानी और छोटी बहन कनहिमले के पास पल रही है। बहुत बड़ा खेल है, कहाँ पल रही है? वल्ली मलय यानी कुर्जी मला के राजा नंबी के पास वल्ली के नाम से पल रही है। वल्ली, शंख गुरु
सर्व कला में निपुण हो और वो भी सिखाए बिना। तुम्हें अवश्य किसी महाराज की पुत्री होना चाहिए। पिताजी, महाराज की पुत्री से बढ़कर मुझे वनराज की बेटी कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा क्यों पुत्री? पिताजी, राज्य में शांति नहीं है और इस जंगल में शांति है। राज्य के लोग ठग होते हैं और वन के लोग सरल होते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग तलवार और तीर से कठिन काम भी पूरा करते हैं और हम जाल के सहारे और प्रेम से काम करते हैं। इससे बढ़कर राजा महाराजा अंत में वन में आकर ध्यान लगाकर ज्ञानी बनते हैं। मैं सत्य कह रही हूँ ना पिताजी? सत्य है पुत्री। वल्ली, इतनी महान ज्ञानी हो तुम, तुमसे विवाह करने हेतु सर्वज्ञानी सर्वशक्तिशाली कोई वर मिलना चाहिए। पिताजी, गुरु जी के लोगों के कुल देवता कुमार के पास इस भाव को आप सौंप दीजिए पिताजी। मैं जो कहने आया था वो भूल ही गया। वो क्या है पिताजी? पक्षियाँ सब झुंड में आकर हमारे खेतों को बर्बाद करते हैं। पिताजी, क्या मैं खेतों की रखवाली करूँ? मैं भी यही कहने आया था पुत्री। अपनी सहेलियों के साथ जाकर कल से खेतों की रखवाली करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। सहेलियाँ मुझे धैर्य देंगी और मैं सहेलियों को, सही है ना? ऐसे ही करो। बल्ली के साथ तो ये पुण्य है, लेकिन हमारे साथ कौन है? किल्ली। कौन है वो? दिखाई नहीं दे रहा। हमारी खेतों की रखवाली कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग वहाँ जाकर उसको देख लेंगे। तोता मैना काला कुमारे खेत में मेरे नाना रे, फेंक कर पत्थर भगाऊ रे, पहरेदार मैं यहाँ करे। आन नहीं दूंगा तुम्हें फसल में बचाऊ, देखो यहाँ आना नहीं रे। तोता मैना काला कुमारे खेत में मेरे नाना रे। शो शो सुंदर हो तुम सारे सुन लो जरा, आए तो तुमको मैं छोड़ू नहीं। सुंदर हो तुम सुन लो पर ध्यान से, आए तो तुमको मैं छोड़ू नहीं। खेत के दानों को तुम खाने वाले सुन लेना, खेत के दानों को तुम खाने वाले सुन लेना। मैं तुम्हें खेत में अब बैठने नहीं दूंगा, तुम मुझे देख के भागो वरना। शो शो शो। ओ बाप रे, बेवकूफ आदमी, ये क्या? तुम पंछियों को भगा रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी पक्षियों को भगाने आए हैं? तब तो तुम्हें ऊपर रहना चाहिए, जमीन पर क्यों खड़े हो?
बल्ली और हमारी रक्षा करने वाले और रखवाली करने वाले, तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो। एक शब्द ठीक से कहते नहीं आता मुझे, मुंह संभालने को कहती हो? क्या है तेरा नाम? पोनी। जरा इसका नाम तो सुनो, पोनी। किसने रखा तेरा इतना प्यारा नाम? पहले तो उसको ढूंढ कर बहुत पीटना चाहिए। पोनी। नखरा तो देखो। इज्जत से बात करो। क्या बोले? क्या हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे क्या? इसका कोई अंत नहीं है। कौन है ये? कौन? तुम दोनों की तेज तर्रार जुबान की वजह से तुम दोनों एक साथ कभी नहीं रह पाओगे, समझे? अरे तुम कौन हो? सब कुछ सच बताती हो? मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने सोचा था। सुनो, जरा मेरा हाथ देखकर बताओ। बात अजीब है, उसको मत देखो। मेरा हाथ? इसमें तो बस दुश्मनी लिखी है। मेरा हाथ देखो ना। हटा अपना हाथ, पागल कहीं की। मेरा देखो ना, अपना हाथ हटाओ। तो मेरा हाथ देखो, सिर्फ रेखाएं। मेरा हाथ खाली हाथ। अरे बाबा, मैं तो डर गया था कि आप गलत बोलोगी। अच्छा, हम सबका हाथ ठीक नहीं है आपने कहा, तो किसकी रेखा सही है? तुम्हारी मालकिन का हाथ है ना, एकदम अच्छा हाथ है, भाग्यशाली हाथ है। बहुत अच्छा हाथ है। तो फिर हमारी मालकिन वल्ली कहाँ? अरे चुप रह, एक वाक कहने में इतनी देर लगाती है। हमारी मालकिन का हाथ देख सकती है? तुझे यही पूछना था ना। क्यों? वही है ना। हाँ जरूर देखूंगी। तो चलिए ना। चलो। मालकिन, ओ मालकिन। ए चिल्लाओ मत। मैं बताती हूँ कि माँ। तू बताएगी? हाँ। कैसे बताएगी? कहती है दो शब्द बताने में तो दो दिन लगते हैं, तू चुप रह। मैं बताता हूँ मालकिन को। मालकिन, ओ मालकिन। मालकिन आई। मालकिन, एक बहुत अच्छी ज्योतिषी आई है, लड़की है मगर छोटी है और सब सच बताती है, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल सब ठीक ठीक बताती है। आप अपना हाथ दिखाइए ना मालकिन। हाँ, आपका हाथ देख के आपकी शादी कब होगी ये बताएंगे। शुभ काम में अपना मुंह मत खोल, तू चुप रह। किल्ली, मेरे विवाह की बात को लेकर तुम दोनों इतने उत्सुक क्यों रहे हो? अरे आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपका होने वाला दूल्हा कहाँ है, कैसा है, काला है या गोरा है, क्या गुण है, गरीब है या पैसे वाला, ये सब हमें जानना चाहिए ना मालकिन। जानकारी लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी के बाद तो मैं तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा कैसे होगा, जहाँ वल्ली है वही किल्ली सेवा करेगा। सिर्फ किल्ली नहीं, अटक गई, पोनी भी वही रहेगी। ठीक है, आपको क्या नाराज करूं? ज्योतिषी को बुलाओ और मेरे भविष्य काल को देख लो। अभी बुबू, रुक रुक, मैं बुलाता हूँ। चुप रहे, तेरे बुलाने में सुबह हो जाएगी, मैं बुलाता हूँ। सुनिए ज्योतिषी, आइए। क्यों करंट लगा रही है? इसको देखो, ये बिल्कुल हमारे मालकिन जैसी दीदी दिखती है। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वंजी और तुम्हारा वल्ली, ठीक कहा ना? अरे तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? नाम ही नहीं, नाम, गांव, पैदाइशी, परवरिश और भविष्यकाल सब जानती हूँ। ओ, सब बताओगी? मैं तीन काल बता सकती हूँ और आगे सुवर्ण काल भी। ये लड़की कितना अच्छी बोलती है ना। दूसरों का भाग्य देखकर जलन होती है क्या? मुंह बंद करो, तुम जन्म भर ऐसी ही रहोगी। अब जरा चुप रहो, जरा मेरा हाथ देखकर बताओ। भगवान पार्वती पुत्र, शंकर पुत्र, षडानंद, सुब्रमण्यम, कार्तिकेया, शर्वणा, ज्ञान पंडित, गुहन, वेलायुधा, कंदैया, कदीरगामा। मेरे शब्दों में आओ वल्ली, सिर्फ मुंह मेरा है लेकिन मेरे शब्द भगवान के हैं, समझी? समझ गई ना? अरे बाप रे, लड़की कितनी अच्छी बात करती है, एक समय में कितने भगवान बुलाती है। ये सब भगवान तो एक ही कंदवेल है। बस कर, बीच में मत बोल। अब मैं भविष्यवाणी बताऊं? बंजी, ठीक से बताओ ना। अरे वो बता रही ना, चुप कर। वेल्ली पहाड़, वन पहाड़, सुंदर प्यारा पहाड़, देखो प्यारी भूमि। खेड़े वेल्ली ऊंचे पहाड़ पर देखो, प्यार
पहाड़ सुंदर भूमि हमारी मैं हूँ ज्योतिष पहाड़ों वाली कहूँ बात सारी कहती सबका भविष्य मेरी सच्ची बात सारी प्यारा पहाड़ सुंदर भूमि ये हमारी मैं हूँ ज्योतिष पहाड़ों वाली कहूँ बात सारी कहती सबका भविष्य मेरी सच्ची बात सारी पैदा हुई तुम हिरण के पेट से नंबी राजा की पुत्री बन के पली पैदा हुई तुम हिरण के पेट से नंबी राजा की पुत्री बन के पली तन से सुंदर बड़ी मन से पावन बड़ी चांद सा सुंदर चेहरा तमकता रहे हाय तुमको किसी की नजर न लगे राजा की आज्ञा से खेतों में जाकर के पंछी थे तुमने भगाए खेतों की रखवाली में गीत गा करके पंछी थे तुमने उड़ाए वहाँ गीतों से पंछी उड़ाए प्यारा गीत गाते समय सुन करके तब आकाश मार्ग से देखो जी श्री नारद मुनि जी आएंगे तुम उनके चरण छू के आशीष लोगे वो ये कहे एक सन्यासी आकर के तुमसे विवाह करेगा सुन करके तुम्हें क्रोध आए कहो तुम ऐसा कभी न होएगा जय हो देवी आपने मुझे बुलवाया वीर बाहु आपके वेलवन ने देखा क्या किया है ये क्या देवी हमारे वेलवन कह के अपने से अलग कर रही हो मेरे पास कारण है कहो क्या कारण है आपके कार्तिकेय है ना आपके पति कार्तिकेय कहो ना ठीक है मेरे पति कार्तिकेय ने तनिका मेले में ठहरा हूँ कहकर एक बड़ा खेल खेला है मेरे साथ आप ही बताइए क्या ये ठीक है
खेल वो क्या? क्या आप कुछ भी नहीं जानते? सच में? अरे बाप रे, नाटक करने में आप सभी के सभी निपुण हैं। दोनों भाई बहुत ही चालाक हैं। हम कैलाशनाथ के बच्चे हैं और भला वो हमें नाटक करना क्यों सिखाएंगे बताओ? जितना सोचती हूँ मन उतना ही दुखी होता है। बात क्या है मुझे बताओ? कार्तिकेय ने चुपके से वनराज की बेटी से विवाह कर लिया है और यहाँ ले आए हैं, क्या आप नहीं जानते? अच्छा ये बात है। देवी, जगत में अमीरी गरीबी, रात दिन, पाप पुण्य, सत्य असत्य, जैसे ये सब दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल वैसे ही विवाह भी दो प्रकार के होते हैं, प्रेम विवाह और प्रबंध विवाह। समझ गए ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्या? पूर्वजों के रास्ते चलने के लिए और अपनी मर्यादा ऊंची रखने के लिए माता पिता के कहे अनुसार आपके साथ प्रबंध विवाह और आपके साथ वल्ली के साथ कार्तिकेय ने प्रेम करके उनके साथ गंधर्व विवाह किया है, क्या इस बात से अनजान हैं आप? ये सब कैलाशनाथ को पता चलेगा तो वो कितने दुखी होंगे। देवी, कैलाशनाथ स्वयं माता पराशक्ति के ज्ञान के बिना दूसरी स्त्री गंगा को जटा में छुपा कर रखने की बात सुनी है मैंने, सच कहता हूँ। ओहो, तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। वीर बाहु, जरा यहाँ आइए। क्या है? पहले से ही देवयानी से विवाहित होकर मुझसे प्रेम का नाटक करके मुझसे विवाह करके मुझे यहाँ ले आए हैं, क्या ये न्याय है? ये तो अन्याय है, अन्याय। जवाब दीजिए। उनकी पहली पत्नी मैं हूँ और मुझसे छुपाकर मेरे बाद आने वाली इससे कैसे सच बोलेंगे वीर बाहु? जवाब दीजिए। इंद्राणी की बेटी हो इसलिए इतने घमंड से बात करती हो? वीर बाहु, इससे कहो मुझसे ठीक से बात करे। अब आप बोलिए। ये मेरे बात यहाँ विवाह करके आई है, इससे कह दीजिए मेरे विरुद्ध एक भी शब्द ना बोले ये। अब आप बोलिए देवी। मैंने कड़ी तपस्या करके उन्हें हासिल किया है, जरा समझा दीजिए इसे, कहिए। कार्तिकेय, कार्तिकेय, हाँ हाँ जाकर ले आइए उन्हें, वो ही कोई रास्ता निकालेंगे। हे वेलवन, ये कैसा संकट है? संकट आपको नहीं मुझे है, जाकर ले आइए वेलवन को, जाइए। हे कार्तिकेय, इन दोनों के बीच संकट में मुझे कैसे आपने छोड़ दिया, क्या ये न्याय है? हाँ, अगर ये न्याय होते तो मेरे साथ अन्याय नहीं बस, करते। अब आप उनके बारे में एक भी शब्द गलत नहीं कहेंगी। तुम कौन है ये कहने वाली? ओहो, तो तुम कौन होती? ये अधिकार मेरा है। देवी, आप बीच में ना बोले। पूछने का अधिकार मुझे भी है। देवी, हटिए आप यहाँ से। वल्ली, तुम ज्यादा बोलो मत। पहले तुम चुप हो जाओ। देवी, जाओ यहाँ से। कंधा, कड़म्बा, कार्तिकेय, अब आप भी मुझे बचाइए। देवा, वल्ली, आप दोनों एक दूसरे को भूलकर और बिना पहचाने लड़ रहे हैं। पूर्व जन्म में आप दोनों सगी बहनें थीं और अमरवल्ली सुंदरवल्ली के नाम से पल रही थीं। तब दोनों ने मुझसे विवाह करने की तपस्या की थी। बड़ी बहन ने खाना पीना छोड़कर मेरी पूजा की, इसलिए इंद्र की पुत्री बनकर उसने जन्म लिया और पहले उस कन्या का विवाह मुझसे हुआ। छोटी बहन नंबी राजा की पुत्री बनी और थोड़े विलम्ब से मुझसे विवाह किया। अब आपकी माया हट जाए और दोनों मिलकर रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। हंसोगे कार्तिकेय, मधुर हंसी से जगत गूंज उठे। तिरुपुर कुंड में हंसोगे कार्तिकेय, मधुर हंसी से जगत गूंज उठे। शूल सोहे और कीर्ति तुम्हारी ये समुद्र कहे, हाथ तुम्हारे त्रिशूल सोहे और कीर्ति तुम्हारी ये समुद्र कहे। तिरुपुर कुंड में हंसोगे मुरुगन, मधुर हंसी से जगत गूंज उठे।
छोड़कर थोड़े समय पहले आप दोनों ने जो लड़ाई की थी कार्तिकेय, अगर आप होते तो वीर बाहु, मैं समझ गया बिछड़े लोग मिले तो अब तो आप दोनों देवियां कभी भी लड़ाई नहीं करेंगी ना। स्वामी हमें क्षमा कीजिए, अब हम दोनों हमेशा हमेशा मिलकर रहेंगे। जय हो कार्तिकेय, दुख हरता भगवन कर दो कृपा, हे करुणामय भगवन सर्वशक्तिशाली है, बड़े गौरवशाली है शिव के दुलारे, देवों के सेनापति प्यारे तुमको नमन है। हे मुरुगन स्वामी बड़े दयालु कार्तिकेय, अपनी मोहक वाणी से अमृत रस घोल रहे प्रभु, तिरुवरपुर में अद्भुत दर्शन दे रहे वल्ली और देवान्य देवी अंग संग है। स्वामी हमसे वार्तालाप किए बिना आप कहाँ जा रहे हैं, बताइए ना स्वामी। देवा मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। आप इसे विवरण देकर बताइए स्वामी। वल्ली ये किरण है जिसने मेरे पिता के साथ विवाद किया कि तीसरी आँख खोलने पर भी आपकी गलती गलत है, वह मेरी प्रशंसा में इतिहास लिख रहा है, मैं वही देखने जा रहा हूँ। क्या आपके साथ हम भी देख सकते हैं? आपके साथ हमें आने की अनुमति दीजिए स्वामी। पहले मैं जाता हूँ, फिर आप दोनों देवियाँ आकर देखिएगा। स्वामी जी आप अकेले में यहाँ तपस्या करके क्या लिख रहे हैं? जी मैं कुंदन का इतिहास लिख रहा हूँ। कुंदन इतिहास का क्या मतलब है? ईश्वर की कृपा पाकर जो उसकी कृपा पाने वाले को राह दिखाता है उसे कुंदन इतिहास कहते हैं। ऐसा क्या, आप किसके बारे में लिख रहे हैं? मैं किसके बारे में लिखूंगा, मेरे ईश्वर कार्तिक का इतिहास ही कंदन इतिहास के नाम से लिख रहा हूँ। ये इतिहास लिखकर दूसरों को ईश्वर का राह बताने वाले आप कार्तिक के कृपा पात्र हैं क्या? कृपा पात्र मेरा तन मेरा मन और ये आत्मा सभी उन्हीं का है। मेरे मन में है प्रभु कार्तिक, वो हर एक जगह में है। तीन तमिल जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ कार्तिक अवश्य होंगे, समझे ना? तमिल और कार्तिक के बीच इतना संबंध है क्या? हे साधुवर आपने ये कैसा प्रश्न पूछा, तमिल अक्षर के रूप में ही तो ईश्वर विद्यमान है। क्या कहा, तनिक विस्तार से बताइए। तमिल भाषा में कितने स्वर है बताइए? आसा अक तक 12 अक्षर। मेरे ईश्वर कार्तिक की भी 12 आंखें हैं। ओहो कुल स्वर 12 हैं और भक्तों को प्रकाश देने वाले आंखें भी 12 हैं, कैसे समझाइए? तमिल अक्षर को तीन प्रकार से बांटे तो तीन भाग हैं। कौन से होते हैं? वल्लेनम मेल्लेनम इडेनम। इस तीन प्रकार के तीन अक्षरों को जोड़कर ही मेरे प्रभु का नाम कार्तिक रखा गया है। कार्तिक मतलब सौंदर्य काबिलियत नाम बढ़ोती वृद्धाहीनता, ऐसे उनके अनेक अर्थ हैं। बहुत अच्छा विवरण है, क्या कहने। एक प्रकार में कितने अक्षर होते हैं? कसड दबर नैन नमन यरल वरल, एक प्रकार में इस तरह 6 अक्षर को बांटा गया है। तो एक प्रकार में 6 अक्षर हैं, मेरे कार्तिक के भी 6 शीश हैं। आप ऐसे ही कहते रहिए मैं सुनता रहूंगा। सिंगार वेलन के हाथ और शीश मिलाकर 18 हैं, तमिल भाषा में व्यंजन भी 18 हैं। भाषा ही नहीं
वो तो सर्वस्थान में उपस्थित हैं, मेरे गीतों के नायक कार्तिक। अच्छा ये बताइए, आपके इतिहास में आपके नायक के बारे में क्या लिखा है? उनके द्वारा निवास करने वाले 6 घरों के बारे में मैंने लिखा है। जब उनके अनगिनत घर हैं, तो आप केवल 6 घरों की क्या विशेषता लिखेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आया। मेरे ईश्वर का संपूर्ण जीवन तो सिर्फ 6 घरों में ही संपूर्ण हो जाता है। वो कैसे? जब वो खड़े थे, जब वो बैठे थे, जब वो उठे थे, विवाहित हुए थे, आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया, ये सब 6 घरों में संपूर्ण होता है। तनिक विस्तार से बताइए। फल नहीं मिलने पर क्रोधित खड़े थे, पिता को उपदेश देने के लिए वो गुरु के स्थान पे बैठे थे, शूरभद्र को मिटाने के लिए वीरता से खड़े थे, देवयानी से विवाह किया, वल्ली से गंधर्व विवाह किया, पत्नी और पति तीनों ने भक्तों को दर्शन दिए, ये सब मिलकर उनके 6 घर हुए ना। ठीक कहा ना मैंने? आहा, कितने ज्ञानी हैं आप, बहुत ज्ञानी। नकेरन स्वामी, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु आप मुझे अब तक पहचान नहीं पाए। सच है स्वामी, मैं आपको समझ नहीं पाया। नकेरन कार्तिक सन्मुगा वेलवा, मुझ पर कृपा करने वाले वेलवा, क्या आपने मेरी परीक्षा ली थी? नकेरन, आपको इतिहास लिखता हुआ देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। संगीत और गीत सब जगह बढ़ने पर भी तुम्हारे द्वारा लिखा गया ये ऐतिहासिक गीत सबसे पहला गीत होगा। स्वामी क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मेरे मुंह में शब्द ही नहीं आ पा रहे हैं स्वामी। नकेरन, इस समय मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ, इस वर्णन को सुंदर तमिल में गाकर सुनाओ। जय हो षडानन, जय कार्तिके, जय हो षडानन, जय कार्तिके, मैंने लिखा है जो ग्रंथ नायक हो तुम स्वामी, जय हो षडानन, जय कार्तिके, मैंने लिखा है जो ग्रंथ उसके, नायक हो तुम स्वामी, जय हो षडानन, जय कार्तिके, मेरे भजनों के तुम हो नायक प्रभु, मेरे भजनों के तुम हो नायक प्रभु, तेरा पूजन गुण तेरे गाना धर्म मेरा स्वामी, तेरा पूजन गुण तेरे गाना धर्म मेरा स्वामी, जय हो षडानन, जय कार्तिके। तुमको देने के बदले में आम के फल को शिव जी ने गणपति को वो दे दिया था, हाँ, हाँ, तुमको देने के बदले में आम के फल को शिव जी ने गणपति को वो दे दिया था, क्रोध में घर को छोड़ा आए पर्वत, क्रोध में घर को छोड़ा आए पर्वत, और बच गए प्रभु जी पलनी पर्वत, और वही पर्वत पहला प्रभु जी का घर, जय हो षडानन, जय कार्तिके। ओम मंत्र का तुमने सार बताया जग को, एक शब्द से ओम मंत्र समझाया, ओम मंत्र का तुमने सार बताया जग को, एक शब्द से ओम मंत्र समझाया, उपदेश शिव जी को दिया प्यारी ये जगह, उपदेश शिव जी को दिया प्यारी ये जगह, प्रभु जी तमिलनाडु का ये पर्वत दूसरा है घर, आपका ये प्यारा पर्वत दूसरा है घर, जय हो षडानन, जय कार्तिके। सेनापति बने प्रभु सभी देवों के,
बने प्रभु सभी देव के, शूर भद्र का वध कीना बड़ी वीरता से, सेनापति बने प्रभु सभी देव के, शूर भद्र का वध कीना बड़ी वीरता से, और उस जगह थे ठहरे विश्राम किया, और उस जगह थे ठहरे विश्राम किया, प्रभु जी वही सेंदूर है आपका तीसरा घर, जहाँ छूकर चरणों को गया प्यारा समुद्र, जय हो षडानन जय कार्तिकेय। करके विवाह प्रभु अपने कुल में शामिल कर अर्धांगिनी बनाया, देवाण्य सुंदरी से करके विवाह प्रभु अपने कुल में शामिल कर अर्धांगिनी बनाया, तिरुपुर कुंड में था ब्याह किया, तिरुपुर कुंड में था ब्याह किया, यही वो जगह है चौथा घर, यही वो जगह है आपका चौथा घर, जय हो षडानन जय कार्तिकेय। देवों को जीवन दान दे, क्रोध अपना शांत किया, और वल्ली से गंधर्व ब्याह किया, देवों को जीवन दान दे, क्रोध अपना शांत किया, और वल्ली से गंधर्व ब्याह किया, खेत की रखवाली करने बैठे जिस पहाड़ पे, खेत की रखवाली करने बैठे जिस पहाड़ पे, यही तीर्थनी पहाड़ है पांचवा घर आपका पांचवा घर, तीर्थनी पहाड़ ये घर, जय हो षडानन जय कार्तिकेय। सच्चे दिल से आने वाले सच्चे भक्तों पे, आने वाले भक्तों पे, सच्चे दिल से आने वाले सच्चे भक्तों पे, देते दर्शन प्रभु जी उन पे कृपा करके, सच्चे दिल से आने वाले सच्चे भक्तों पे, देते दर्शन प्रभु जी उनको कृपा करके, वल्ली देवाण्य के संग मोर पर विराजे, वल्ली देवाण्य के संग मोर पर विराजे, आपका छटाधर है ये पल मुदिर चोलय, स्वामी जय हो षडानन जय कार्तिकेय, लिखा है जो ग्रंथ उसके नायक हो तुम स्वामी नायक हो तुम, जय हो षडानन जय कार्तिकेय, वल्ली देवाण्य जय स्वामी कार्तिक जय कार्तिकेय।